Shambhunath Group of Institutions, shaping the future. Birthright is given.
to a person who is just he is born, he gets a right. Suppose the property belongs to A and the son was born to him, he becomes the co-partner just by taking birth. जैसे ही उसकी पैदाइश होती है, उसका जन्म होता है, वो S1 उसमें आ जाता है. मान लीजिए एक दूसरा बेटा पैदा हुआ S2, उसका भी राइट क्रिएट हो जाता है पैतृक संपत्ति में. फिर S1 के बाद मान थोड़ी देर को माने S1 पैदा हुआ, इसके यहाँ इसका बर्थ राइट क्रिएट हो जाएगा. S2 S1, अगर इसके यहाँ भी कोई लड़का पैदा हो S1 S1 S1, और यहाँ कोई हो जाए S2 S1 S2. तो जैसे ही पैदाइश इसकी होती है, इसका बर्थ राइट बन जाता है, जन्म से इसका हित या इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा. तो इन आपको इस पर ध्यान देना है कि ये अनऑब्स्ट्रक्टेड इसी सेंस में है जो हम आपको दिखा रहे हैं, कि इसमें कोई किसी के मरने का हमें कोई इंतजार नहीं करना है. धन उसका जन्म हुआ, उसका राइट क्रिएट हो जाता है. इसमें देखिए खास बात ये होती थी ओल्ड हिंदू लॉ में, जो हमारा रूल था कि 4 generations थी जो को पार्टनरी के मेंबर होती थी. ज्वाइंट फैमिली तो एक बड़ी चीज है, इसमें औरतें भी हो सकती हैं, 5th generation भी हो सकती है. हालांकि प्रैक्टिकली हिंदू सेजेस ने जो लॉ बनाया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आप अपने आस पास पड़ोस में कहीं भी देखना चाहेंगे तो 4 पीढ़ी से ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, 3 ही से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती. 4 तो बहुत बड़ी चीज हुई. फिर आपको मिल गया कोई आदमी, क्योंकि एक पीढ़ी गुजरने में लगभग 25 साल हो जाते हैं, तो अगर आप लगाएं तो 100 साल का कौन आदमी बचता है. तो उन्होंने फकत 5 पीढ़ी में, अब जब एक डेथ होगी तो ये एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा मामला, यानी 4 पीढ़ियों तक ये मिताक्षरा कोपासनरी होती है, जिसमें एक आदमी पैदा होता है तो उसका बर्थ राइट क्रिएट हो जाता है. शायद इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन आपसे हो भी चुका है, लेकिन सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ. और जैसे ही उसकी डेथ होती है, यानी इसमें से कोई आदमी मरेगा, तो उसमें सक्सेशन नहीं होता. ये ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें होती हैं, सक्सेशन और एक चीज होती है सर्वाइवरशिप. सर्वाइवरशिप यानी उत्तर जीविता का एक सिद्धांत होता है कि जो बाद वाले हैं उन्हीं को कोई इंटरेस्ट मिल जाता है, डिफाइन नहीं है. तो इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट इन मिताक्षरा कोपासनरी द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज अनडिफाइंड. जब तक कोई भी पार्टीशन ना हो, विभाजन नहीं होता है, उसका हित तय नहीं होता कितना है. आप ये नहीं कह सकते कि S1 का इंटरेस्ट कितना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा. तो इसलिए जो अभी हम आपका बैकग्राउंड ला रहे हैं बनाने के लिए, अपना सेक्शन 6 सॉल्व करने के लिए, उसमें आपको इन बातों पर ध्यान रखना है. अच्छा, इसको हम अगर अच्छा आपके सामने फिर थोड़ा सा दिखाएं, इसको हटा करके वो ये है कि जब आप देखते हैं कि हमारे पास बर्थ राइट है, सर्वाइवरशिप का मतलब है कि जैसे ए का और 2 लड़के हैं S1 S2, जैसे ही S1 पैदा हुआ था उसका ही पैतृक संपत्ति में बन गया था, S2 पैदा हुआ उसका बन गया, S2 मर गया राइट, तो जो भी उसका हित था बचे हुए को पार्टनर्स में डिवॉल्व कर जाता है, नियागत हो जाता है. क्या है ये तभी हम लोग बता सकते हैं जब पार्टीशन हो, बिना पार्टीशन के नहीं हो सकता. अच्छा, जब ये हमारा सेक्शन 6 आया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सेक्शन 6, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने सेक्शन 6 में रखा, तो उसमें उन्होंने फीमेल्स को उस वक्त जो फीमेल्स ऑफ क्लास 1, देखिए उनका अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कोई आपको दिक्कत नहीं थी, देयर नो प्रॉब्लम, यू शुड अप्लाई सेक्शन 8 और 9-10 के रूल अप्लाई कीजिए, दे दीजिए. यहाँ पर मामला ये होता है कि अगर वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, पैतृक थी, और कोई आदमी मरा, उसकी डेथ होती है, तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि हम उसमें क्या करें. सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई फीमेल क्लास 1 एयर का मौजूद हो, ये मैं 56 से लेके आपके सामने बात कर रहा हूँ 1956 to 2005 अमेंडमेंट तक, तो अगर कोई फीमेल है
या एक मेल बेस में था डॉटर सन, अगर ये प्री डिसीज्ड है पूर्व मृत है तो इसका बेटा ये था, ये लक्षण 9 हो जाते हैं। इनमें से कोई आदमी 12 में जो थे हुआ करते थे 56 तक, उसमें कोई एक आदमी भी हुआ तो उसका नतीजा जो होता था कि ये सर्वाइवरशिप से भी नहीं पास करती थी। फिर समझ में आया, अगर एक एक लड़के हैं S1 S2, ये सन 56 के बाद की बात कर रहा हूँ, इसमें S2 मर गया और उसने किसी को नहीं छोड़ा जो क्लास 1 ईयर में आता हो, अगर किसी को नहीं छोड़ा तो फिर आप समझ आ जाइए कि उसका हिस्सा बाई सर्वाइवरशिप, ये है सर्वाइवर्स, इनको पास ऑन कर दिया। ये क्या गया, ये तो पहले भी नहीं मालूम था कि इसको के पास क्या था जब तक पार्टीशन ना हो जाए, और इन लोगों को क्या पहुंचा था उसका शेयर डिफाइंड नहीं था, तो जो कुछ उसका था वो इनको पहुंच गया। ये पोजीशन थी इस एक्ट में भी, लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल S2 की एक डॉटर होती जो क्लास 1 एयर है, एक बेटी थी, तो जैसे ही उसकी बेटी का मामला आएगा तो वो कहते हैं सेक्शन 6 में कि अब हम अप्लाई नहीं करेंगे सर्वाइवरशिप का रूल, बल्कि हम करेंगे कि S2 का जो हिस्सा हो वो सक्सेशन के रूल से जो सेक्शन 8 से लेकर 10 तक दिया गया है उसके हिसाब से पासान करें। अभी प्रॉब्लम हमारी ये है कि इसमें कोई शेयर तो डिफाइंड नहीं, तो एक्ट ने सेक्शन 6 में खुद ये एक सिस्टम दिया हमें जिसका नाम उन्होंने रखा नोशनल पार्टीशन एंड नॉट एक्चुअल पार्टीशन, नोशनल पार्टीशन यानी वो ये नोशनल को हम कहेंगे काल्पनिक विभाजन, ऐसा आप विभाजन कर रहे हैं जो काल्पनिक है, काल्पनिक इस सेंस में है कि वास्तव में तो कोई ऐसा विभाजन नहीं है, नोशनल पार्टीशन आपके पास नहीं है, लेकिन काल्पनिक रूप में आप विभाजित करेंगे। रूल ये है कि जिस समय S2 मरा, अब हमारी कल्पना है, हमारा इमेजिनेशन है, अगर ठीक इस वक्त इस हिंदू सहायती या कोपार्टनरी में विभाजन हो तो इस आदमी S2 का क्या हिस्सा होगा। अब अगर इसका विभाजन होगा, अभी मैं वो दिखाऊंगा कैसे रूल्स बनते हैं, तो एक जैसे आप विभाजन करेंगे इसके तीन हिस्से बनेंगे, तीन शेयर बनेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। इससे हमारा मतलब नहीं है, बाकी से नहीं है, ये जो 1/3 इसका शेयर बन रहा है ये डिसाइड हो गया। अब इत्तेफाक ये है कि क्लास 1 एयर में यहाँ इस सिचुएशन में अगर आप अपना कल वाला डिस्कशन खोले तो आपको मालूम होगा कि यही अकेली है डॉटर, तो ये 1/3 इस डॉटर को पास ऑन कर जाएगा। बाकी प्रॉपर्टी जो है 2/3 उसमें वो पार्सनली कंटिन्यू रहती थी। अच्छा एक बात फिर आपको, 2005 तो पोजीशन इज क्वाइट चेंज, वो पोजीशन ये है कि अब हर केस में नोशनल पार्टीशन होगा, जब एक साहदारी मरेगा उसकी डेथ होगी तो आपको नोशनल पार्टीशन करना पड़ेगा और फिर जो उसका हिस्सा आता है उसको आपको उसी तरह से बांटना होगा जो सेक्शन 8 से 10 तक के रूल दिए गए हैं 8-10 उसमें करना होगा। लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ आपको कि एक तरह से आपको आइडिया दे दूँ कि पार्टीशन कैसे होता है, बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं होता है नोशनल पार्टीशन में तो उनको डिफिकल्टी आती है। देखें कि पार्टीशन या विभाजन मिताक्षर को पास करेगा, ये प्रॉब्लम आपको दायभाग में मिलती भी नहीं है और सेक्शन 6 का इससे कोई संबंध भी नहीं है, दाया भाग से वो सिर्फ मिताक्षर को पास नहीं है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ही से कनेक्टेड है। तो मिताक्षर को पास नहीं में जो पार्टीशन होता है उसमें देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि यूँ समझिए, एक पहले ओल्ड लॉ में रूल ये हुआ करता था कभी एक से ज़्यादा पत्नियाँ हों तब का ये नियम था, तो एक पार्टीशन होता था जिसको हम लोग कहा करते थे पत्नी भाग, ठीक है, और ये जो उसका भाग से मतलब भागना ले लीजिएगा बल्कि भाग का मतलब यही है उसका जो हिस्सा है वो पत्नी भाग, दूसरा था पुत्र भाग। अब इसको पुत्र भाग है, पुत्र का जो हिस्सा, अगर यही एक व्यक्ति है उसकी एक बेबी है W1
और उससे तीन रखे हैं S1, S2 and S3 और एक ये दूसरी पत्नी थी, वो एक समय में भी हो सकती है और बाद में भी हो, उससे एक लड़का था S4। तो अगर पत्नी भाग के हिसाब से विभाजन होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आधा इधर दे देंगे, एक पत्नी की तरफ जाएगा आधा दूसरी पत्नी की तरफ जाएगा, तो ये इसका हिस्सा जब बटने लगेगा पार्टीशन होने लगेगा तो आधा इधर हो गया और आधा इस तरफ बनेगा। मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ ए अगर भाइयों में विभाजन है तो उनकी पोजीशन ये बनती है इसके अंदर के वो जीन डिवाइड हो गए और फिर नेचुरल है कि इनका शेयर कम हो जाएगा उसका ज्यादा रहेगा। लेकिन आमतौर पर जो अब जो रूल है वो यही है। नाउ द डिविजन इन द कोपार्टनरी सहदायकी कोपार्टनरी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पुत्र भाग कि जितने बेटे हैं सबका एक हिस्सा होता है, एक 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 वो एक बीवी से हो अलग अलग बीवियों से हो। तो यू शुड नॉट इट इन मॉडर्न हिंदू लॉ द पुत्र भाग रूल अप्लाइज एंड पत्नी भाग रूल इज ऑब्सोलीट, ऐसी ऐसा नियम होता है। अच्छा सिमिलरली ये भी याद रखिएगा डिविजन में कि ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा बेटा होता है ज्येष्ठ पुत्र इन ओल्ड हिंदू लॉ आर द कर्ता वॉज गिवन एन एडिशनल शेयर। सपोज दैट देयर आर टू S1 and S2 ही इज द एल्डर ब्रदर एंड कर्ता, सो व्हेन देयर विल बी डिविजन टू शेयर्स आर गिवन टू S1 and 1 to S2। वो बड़ा भाई है उसको दो हिस्से दिए जाएंगे और छोटे भाई को एक हिस्सा दिया जाएगा, ये ओल्ड लॉ हुआ करता था। लेकिन आपका जो मॉडर्न लॉ है कहा जाता है कलयुग में ये लॉ अप्लाई नहीं करता है। सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसा ये ज्येष्ठ पुत्र वाला नियम होगा भी तो जिसको हम प्रीमोजेनिचर का रूल कहते हैं तो फिर इसको साबित करना पड़ेगा मतलब इस हिसाब से कस्टम इफ देयर इज सम कस्टम। तो फर्स्ट रूल इज Every son has equal share either from one wife or from different wife at the time of partition, and there is no preference to the eldest son in comparison to other. Now the third rule, which is to be understood for your calculation, तो ये नियम आपने समझ लिया कि कोई अंतर नहीं है अगर अलग-अलग पत्नियों से भी हों तो उनका वही रूल होता है। अच्छा डिविजन बिटवीन फादर एंड सन अब रूल हुआ कि इन केस ऑफ ये पार्टीशन की बात हम लोग कर रहे हैं विचार कर दिए पार्टीशन होने लगेगा तो डिविजन बिटवीन फादर एंड सन हो तो वन शेयर टू फादर एंड वन टू सन, यानी एक फादर का शेयर होगा और एक पुत्र का शेयर होगा जितने भी हो जब भी विभाजन हो। हम एक एग्जाम्पल आसानी से हमको समझ सकते हैं, एफ फादर है उसके तीन बेटे हैं S1, S2 and S3, तो जब आप विभाजन करेंगे तो एक इनका एक इनका एक इनका एक इनका 40 से बन जाएंगे, सबका बराबर होगा किसी को प्रिफरेंस नहीं है और इस तरह से विभाजन होगा। तो जब है अच्छा If the division is among the brothers, मान ले फादर की डेथ हो चुकी थी और S1, S2, S3 है, तब तो बहुत ही आसान है कि फादर की डेथ हो चुकी भाई विभाजन करना चाहे तो उसके बराबर के हिस्से लगेंगे 1-3, 1-3, 1-3। तो अगर बाप बेटे में विभाजन हो रहा हो तो बाप का भी एक हिस्सा है और बेटे का भी हिस्सा है, और अगर बाप बेटे के अतिरिक्त मान ले हमारे यहाँ विभाजन हो रहा भाइयों में तो फिर एक 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 का नियम लगता है। अच्छा अब फिर सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब इमोशनल पार्टीशन हमें करना पड़ेगा तो उस वक्त आपको दिक्कत ना हो। अच्छा अगर थोड़ी देर को माने कि ये मर चुका होता जो ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से और इसने छोड़ा होता दो बच्चों बेटों को, X1 एक सन है और X2 एक दूसरा सन है, इसकी डेथ हो चुकी है, अब विभाजन हो रहा है, यानी फादर है
दो बेटे उसके हैं, एक प्रीडिसीज्ड सन है, पूर्व मृत बेटा है, और उसके दो बेटे हैं एक्स वन एंड एक्स टू। अच्छा, ये ना ही माने हो थोड़ा देर को, मानिए हम लोग इसको रखते हैं अपनी आसानी के लिए, वो भी वो उसकी ब्रांच में जाएगा, नहीं है ये मौजूद है, एस वन है, इसकी पोजिशन है। तो देखिए इसमें विभाजन अगर पूर्ण विभाजन होगा तो जैसे इसका बर्थ राइट है वैसे इनका भी है। आप पहली स्टेप में यू करेंगे कि F 1 by 4, S 1, S 2, S 3 सबको आपने एक बटा चार दे, ये एक बटा चार अकेले S का नहीं है, S 1 का नहीं है, क्योंकि यह है पैतृक संपत्ति। जैसे ही X 1 और X 2 पैदा होते हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसमें उसका नतीजा क्या होगा कि S 1 का ये एक बटे चार फादर और सन में बराबर से जाएगा। आपने रूल पढ़ा था कि बाप का और बेटे का हिस्सा बराबर होता है, ये दोनों बेटे हैं ये इसका बाप है, तो इनका हिस्सा बराबर होना चाहिए, तो इस एक बटे चार के तीन टुकड़े होंगे, तीन भाग हो जाएंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि देखिए ये यूं जा रहा है, 1/12 हो जाएगा अगर पार्टीशन हो रहा हो, फुल पार्टीशन, टोटल पार्टीशन इसको हम लोग कहते हैं। तो एस टू को एक बटा चार मिलेगा, एस थ्री को एक बटा चार, एस वन की जो ब्रांच उसमें एक बटा चार है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि चार पीढ़ियों तक ये मामला होता है, अब हम आगे क्या सोचते हैं अपने हिसाब से कि चलो भाई एक्स टू के भी दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं, वाई वन वाई टू वाई थ्री, अरे बड़ा मुश्किल होता है फोर्थ जनरेशन का होना एक समय में, लेकिन ये है, और इनमें पार्टीशन होना है, अब हमें तो टोटल पार्टीशन करना है, तो अब टोटल पार्टीशन करने में आप देखिए ये एक बटा बारह, इसमें बाप बेटे बराबर होंगे ये सब, तो 1/12 will be in this form in four parts, एक इन x2 का हो गया और तीन बेटों के हो गए, तो 1/12 के तो चार टुकड़े करेंगे, तो 1/48 each आएगा। तो ये partition में बात आपको याद रखनी है, इसको हम लोग कहते हैं कि each branch takes per scarpus, हर branch में एक हिस्सा होगा और वो हिस्सा उसके अंदर नीचे जाता है, ये इसका खास रूल है। इन जनरल आप ये जान जाइए कि दाया भाग स्कूल में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना बर्थ राइट का होता है ना कुछ, अगर है भी तो वो सबके शेयर्स डिफाइंड होते हैं। ये बात इसमें एक पॉइंट और भी है जो आपको शायद हो सकता है टेक्स्ट बुक वगैरह में प्रॉब्लम करे कि इन ओल्ड हिंदोला रिमेंबर दैट विमेन आर नॉट कोपार्टनर्स, औरतें सहदायित नहीं होती। 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2005 के बाद तो दौर बदल गया है, 2005 से पहले औरतें सहदायित नहीं होती थी। तो जब औरतें सहदायित नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी है उसमें सहदायित के तौर पर पुरुष हुआ करते थे। प्रॉब्लम क्या है कि मिताक्षरा स्कूल में एक द्रविड़ स्कूल को छोड़ के जो मद्रास में है हमारा जो जोन है, क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया है कि मिताक्षरा स्कूल में पांच होते हैं सब स्कूल्स, तो चार सब स्कूल्स जो है लिविंग द्रविड़ स्कूल, पांचवा जो है उसको छोड़ते हुए द वेमेन आर नॉट कोपासिंगर। लेकिन जब विभाजन होने लगेगा तो विभाजन के समय जो माँ है उसको पुत्र के बराबर एक हिस्सा दिया जाता है, ये एक रूल है कि एट द टाइम ऑफ डिविजन मदर विल बी अलॉटेड अ शेयर, ये एक खास रूल है जो आपको याद रखना चाहिए। रिमेंबर एट द टाइम ऑफ द इवन इन द इमोशनल पार्टीशन यू विल डू शी इज नॉट द सगाई, शी इज नॉट ए कोपार्टनर, बट एट द टाइम ऑफ डिविजन वन शेयर इज गिवन टू हर। जैसे मैं आपको दिखाऊं कैसे आप करेंगे जब डिवीजन करने लगे, देखिए ए है, ए की बीवी है डब्लू, इसके दो बेटे हैं एस वन एंड एस टू, डब्लू दबाई एस वन एंड एस टू सन, ए कोई बराबर नहीं है, खाली पार्टीशन हो रहा है, सिंपली पार्टीशन हो रहा है। जब पार्टीशन हो रहा है शी नॉट ए कोपार्टनर, यानी जब तक विभाजन नहीं होता नॉट ए कोपार्टनर, जी कोपार्टनर तो है तो आप इसको देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ विभाजन होने लगा तो डब्ल्यू को एस वन
उसका बेटा है या इसको उसका बेटा है, इसके बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, तो बाप को और बेटे को भी मिलना चाहिए बराबर। तो एक यहाँ, एक एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ, यानी द्रविड़ को छोड़ दीजिए मद्रास वाला, तो एक बटा चार, एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार। At the time of division, remember, it is to be noted that at the time of division, one share is allotted to mother equal to son. ठीक है? बल्कि ये हम लोग देखिए और नीचे भी हम आ सकते हैं। इसकी बीवी है W1 और इसका एक बेटा है X। अब अगर यहाँ पे विभाजन हो रहा होगा तो X के बराबर इसका शेयर होना चाहिए। तो इसका मतलब है तीन बनेंगे। X का शेयर इसके S1 के बराबर होगा और W1 का भी शेयर X के बराबर होगा। तो जब विभाजन हुआ तो देखिए 1/4 को तीन भाग बन जाएंगे, 1/12, 1/12 और 1/12। अच्छा, S2 की बीवी है W2। W2 का कोई शेयर नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि माँ को शेयर मिलता है बेटे के बराबर, घर में बेटा नहीं है। तो ये डिफरेंस अपॉन इन एट द टाइम ऑफ द डिविजन। कभी कभी जो इम्तिहान में एग्जाम्पल्स वगैरह दी जाती है उसमें इसको रख लिया जाता है वाइफ को, ये जानने के लिए कि आपको वो रूल मालूम है कि नहीं मालूम है। तो ये खास बात है नोशनल पार्टीशन में जो हमारे सामने आती है, और इसलिए हमने आपके सामने कोपार्सनली को रखा। अब इन नटशेल आप देखिए, वो मैं आपको बता दूँ कि इन नटशेल कोपार्सनली में दाखिला कोपार्सनली इज अप टू द फोर्थ जनरेशन। ओरिजिनली इन ओल्ड हिंदुला देयर वाज ओनली फोर जनरेशंस एंड द मेल मेंबर्स, चार होते थे और केवल मेल मेंबर्स में होते थे, कोई फीमेल और नहीं होती थी। ठीक, तीसरी बात ये थी कि मिताक्षरा को पार्सनरी वॉज द क्रिएचर ऑफ लॉ एंड कैन नॉट अराइज बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, आप इसको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना सकते हैं। एक्सेप्ट दैट ऑन अडॉप्शन, अडॉप्शन अगर हुआ है, दत्तक ग्रहण हुआ है, तो जिस पुत्र को दत्तक ग्रहण किया जाता है वो मिताक्षरा को पार्सनरी का साझेदारी बन जाएगा इंसेस्टुअल प्रॉपर्टी में। अपने यहाँ से उसका अधिकार खत्म हो जाता है नेचुरल फैमिली में, और यहाँ पर आकर के उसका अधिकार बन जाता है। जब पार्टीशन होने लगता है तो हम लोग उसको भी एक शेयर दे देते हैं। इन्होंने जब चेंज किया 1956, वो ये है कि ये बनाया कि डॉटर्स वेर नॉट गिवन द शेयर इन द कोपार्सनरी इन 1956 अप टू 2005, लड़कियों को कोई हिस्सा मिताक्षरा को पार्टनरी में नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर कोई डॉटर है, सन्स डॉटर है, सन्स डॉटर है, या डॉटर सन है, या विडो है, सन्स विडो, इस तरह का कोई भी फीमेल है, तो मैंने आपको बताया, तो ऐसी परिस्थिति में पहले एक काल्पनिक विभाजन किया जाता था, नोशनल पार्टीशन किया जाता था, और नोशनल पार्टीशन करने के बाद उसका हिस्सा हम लोग निकालते थे और वो उस हिस्से के अंदर उसका विभाजन किया जाता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि उस समय दो तरह की स्कीमें आपके पास हैं। अगर आप देखें कि आपके सामने एक मान लीजिए छोटे को एक के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी एक्स है जो एंसेस्ट्रल है, और एक उसके पास प्रॉपर्टी वाई है जो सेल्फ एक्वायर्ड है, स्वतः उसने बनाई है। दो तरह की उसकी प्रॉपर्टीज है, वन इज द एंसेस्टर एंड अदर इज द सेल्फ एक्वायर्ड। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ए का एक बेटा है S1 और दूसरा बेटा है S2, राइट? तो ए का देखिए S2 जो है इसकी एक विधवा है W और है W2, और ये इसकी एक डॉटर है D। हमारे पास ये पोजीशन है। अब हुआ क्या कि इसकी डेथ हुई, S2 डाइड। अगर हम लोग ये बनाए कि S2 जो है उसकी डेथ होती है, तो एक ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक A मौजूद है S2 तक ये प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं कर सकती है, जो जिसको हम लोगों ने कहा था कि सब प्रतिबंध है, ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है।
राइट उसी को मिल गया था जब वो जन्म लेता है, और एस्कू को राइट मिल जाता है जब वो जन्म लेता है। अब एस्कू की डेथ हुई तो ये है जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी एक्स है, इसमें हम लोग कल्पना करेंगे कि डेथ के समय एस्कू का क्या शेयर है। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां हमको काल्पनिक विभाजन करना है, नोशनल पार्टीशन करना होगा, एक अपनी दिमाग में सोचना है कि ठीक मरते समय एस टू की क्या पोजीशन है। तो अगर मरते समय डिवीजन करिए तो आपने अभी तक रूल पढ़ा, तो उसके हिसाब से देखिए क्या होगा कि एक हिस्सा ए का बन रहा है, एक एस वन का बन रहा है, एक एस टू का बन रहा है और एक डब्ल्यू टू का बन रहा है। देखिए इसे तीन हिस्से हम बना लेते हैं, ये एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन बन गया। अब इसकी तो उसकी तो डेथ हुई है, डाइंग तो हमने बनाया आपके सामने, तो अब इसके इसका जो एक बटा तीन हम लोगों ने अपनी कल्पना से या इमेजिनेशन से निकाला है हिस्सा, इसके बराबर टुकड़े हो गए अंडर सेक्शन एट, ये दोनों क्लास बने हैं तो बराबर से लेंगे। एक बटा तीन में इसको एक बटा छह मिल जाएगा और इसको एक बटा छह मिल जाएगा। अच्छा जो रिमेनिंग हमारा ये है इसमें वो पार्सनली कंटिन्यू होती थी। अच्छा अब अगर थोड़ी देर को माने कि ये होता कि ए एस वन एस टू और इसका एक सन होता, इसी प्रॉब्लम में 1900-2005 से पहले मैं बात कर रहा हूं, इसका भी सन है, ये मर गया राइट, तो इसकी डेथ से देखिए आप लोगों को कोई असर नहीं पड़ रहा आपकी प्रॉब्लम पर, ये कंटिन्यू रहती वो पार्सनली जैसे पहले चल रही थी वैसे ही, क्योंकि क्लास वन में कोई फीमेल एयर या एयर थ्रू फीमेल जो डॉटर सन हुआ करता था वो नहीं है, तो जो लोग है इनमें कंटिन्यू रहती ना, हमें नोशनल पार्टीशन करने की जरूरत है। ये कहलाता हमारा सर्वाइवर शिप का रूल। तो देयर आर टू थिंग्स, द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एंड द रूल ऑफ सक्सेशन दैट वाज अप्लाइड। व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर द सी when this act was amended in 2005 में जब हम लोगों ने एक्ट को अमेंड किया 2005 द हिंदू सक्सेशन एक्ट, वेल दिस इज नोन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 वो आया, तो उसने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 6 को ही संशोधित कर दिया। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल थी जो आपके सामने आ रही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट का ये नतीजा हुआ कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये पैदा हो गई आपके सामने कि अमेंडमेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहली बात ये की कि डॉटर्स वेयर मेड को पार्सिनर्स, डॉटर्स को साधारण बना दिया गया लाइक सन, जैसे पुत्र साधारण होता था हिंदू लॉ में 2005 से पहले कभी भी पुत्री साधारण नहीं थी। ये 2005 का संशोधन पहली मरतबा आके सेट कर रहा है कि डॉटर जो है वो सन की तरह सहदायिक है और उसको सहदायिकी में वैसा ही हक है जैसे पुत्र को होता है। अच्छा इसमें इन्होंने नो डिफरेंस इन मैरिड और अनमैरिड डॉटर, यानी जो विवाहित पुत्री है और अविवाहित पुत्री है उसके अंदर इन्होंने कोई अंतर नहीं किया है, चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों सूरतों में जो डॉटर का हिस्सा होगा वो साहदायिक वाला जो हिस्सा होता है वो होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट मामला सेक्शन 6, असल में सेक्शन 6 को बदल दिया है उन्होंने, जो सेक्शन 6 चेंज किया उसके अंदर ला करके मैं देखे पढ़ता हूँ आपके सामने, आप अपने बेरेक्स खोल लें और देखें कि क्या पोजीशन बनी है, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो लाए गए हैं
सेंटेंस कह रहा है कि ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके आने के बाद इन 2005 इन ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ ए को-पार्टनर, यानी ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली मिताक्षरा सादायकी से शासित होती है, जब से ये एक्ट आता है प्रोस्पेक्टिव है एक्ट आ रहा है, तो डॉटर एक को-पार्टनर होगी बाय बर्थ, ये सेक्शन 6 का क्लास 1 है, बाय बर्थ बिकम ए को-पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन, यानी डॉटर वैसी ही सादायक होगी जैसे कि उसका भाई जो पुत्र है सादायक होता है, हैव द सेम राइट इन द को-पार्टनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन अ सन, और उसका अधिकार भी वैसा ही होगा जैसा एक पुत्र का होता है, दी बी सब्जेक्ट टू द सेम लायबिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट को-पार्टनरी प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सन, यानी डॉटर जो है उसका अधिकार वैसे ही है जैसा सन का है और उसकी लायबिलिटीज या दायित्व भी वैसे ही है जो सन के होंगे, एंड एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा को-पार्टनर, जब आप आज कहते हैं हिंदू सादायक या को-पार्टनर तो वो ये कह रहे हैं कि इंक्लूड रेफरेंस टू डॉटर ऑफ ए को-पार्टनर, तो वो डॉटर जो है को-पार्टनर उसको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट आर इनवैलिडेट आर इनवैलिडेटेड एनी डिस्पोजिशन आर एलियनेशन इंक्लूडिंग एनी पार्टीशन आर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैड टेकन प्लेस बिफोर 28 डे ऑफ दिसंबर 2004, 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई अंतरण हुआ है या कोई पार्टीशन हुआ है या किसी वसीयत के आधार पर कोई डिस्पोजिशन हुआ है तो प्रभावित नहीं होगा, वो अपनी जगह पर, बाकी ये है कि डॉटर के पहले से भी अगर कोई मामला चल रहा है तो डॉटर को-पार्टनर मान ली जाएगी इस एक्ट के आने से, यानी 20 दिसंबर 2004 से इसको आप समझ लीजिए कि ये इन्फोर्स हो गया, तो डॉटर इज नाउ ए को-पार्टनर लाइक ए सन, या इसको जो पहले पोजिशन नहीं थी हो सकता है, मकान हो सकता है, कैश, कोई बिजनेस, हिंदू फैमिली में तो जॉइंट बिजनेस भी होता है, ये है तो इसके पास है, इसका एक बेटा है S1, एक है S2 और एक लड़की है D, ये थी, अगर इस अमेंडमेंट से पहले की हम बात करें तो D इज नॉट ए को-पार्टनर, D सहदाई नहीं थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के या संशोधन के आने के बाद जैसे S1 को बर्थ राइट है पैदाइश से जन्म से, वैसे ही S2 को भी बर्थ राइट है, वैसे ही D को भी, डॉटर को भी, ये डॉटर विवाहित भी हो सकती है अविवाहित भी हो सकती है, ठीक है, इसका राइट भी वैसे ही है और इसकी लाइबिलिटीज भी वैसे ही है, अगर S1 S2 के पास कोई लाइबिलिटी हो कि वो इनके डिपेंडेंट्स को मेंटेन करेंगे तो D की भी लाइबिलिटी है कि डिपेंडेंट्स को क्योंकि वो सहदायक नहीं है, अब ये 2005 का जो संशोधन आया इसके बाद अगर मैं पार्टीशन करूं, आप देखें अगर अब करूंगा अंडर दिस एक्ट तो क्या होगा कि 4 हिस्से बन जाएंगे, 1/4, 1/4, 1/4 4 हिस्से हो गए, अब ये सिचुएशन आपको याद रखनी चाहिए कि कैसे बनती है हमारी जो पोजीशन बन रही है वो इस तरह अराइज करती है कि नाउ डॉटर इज ऑल्सो ए को-पार्टनर, एक सहदायक है, जन्म से सहदायक है, पहले नहीं होती, इट इज अ वाइटल चेंज ब्रॉट इन हिंदू लॉ, सी I present a
to explain this room now, how it stands. आपको दिखाने कैसे होता है? देखें father था F S one अच्छा ये हम मान लेते हैं father इनके father भी जीवित हैं थोड़े देर को S one S two ये दो हैं इसकी एक लड़की है D है ऐसा मान लेते हैं अच्छा ये father जो है अगर इसकी wife को भी रख लेते हैं जो इनकी मदर होगी आपके घर में ये पिता है इसके पिता ये पिता का पिता है और ये S1 है S2 है D है और ये F1 है अगर इसमें फादर की डेथ होती है मैंने आपसे कहा कि अब ओनली जो है अगेन इट इज टू बी नोटेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2005 मैं लिख ही दे रहा हूं बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2005 what happened that rule of survivorship is abolished so jo wo khatam ho gaya khatam kar diya gaya survivorship ka rule nahi hota koi bhi case ho har case ke andar ek succession hoga aapko notional partition या जिसे कहें हम काल्पनिक विभाजन करना ही होगा और उसके बाद करने के बाद आप डिवाइड करेंगे अच्छा आप देखिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन लग रहा है हमारे हिसाब से इनके एफ मर गए डाइट एफ की डेथ हुई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल थी ज्वाइंटली चली आ रही थी अब जब इनका फॉर एग्जांपल हम अपना बना लेते हैं कि इसी साल किसी की डेथ हुई इस पूरी कैटेगरी के साथ 2020 में एफ की डेथ हुई तो जब इनकी डेथ हुई तो देखिए क्या हुआ हमको नोशनल पार्टीशन से काल्पनिक विभाजन से इनका हिस्सा निकालना होगा अब आप निकालेंगे हिस्सा जब आप काल्पनिक विभाजन से इनका हिस्सा निकालेंगे तो रोल प्ले क्या है सन और फादर का बराबर होता है और अब डॉक्टर का और सन का भी बराबर होता है ठीक है और जब आप विभाजन करने लगेंगे तो मदर को एक हिस्सा देंगे डब्ल्यू इनकी मदर है उसको भी एक हिस्सा अच्छा ये स्टेप भी हो सकती है कोई जरूरी इसका भी हिंदू सेजेस ने रूल ये रखा होगा जो मैं समझता हूँ कि जब तक ज्वाइंट फैमिली थी उसमें इसके परवरिश का और सबका एक इंतजाम था इसका पालन पालन जो भी होता हो भरण पोषण सब होता था इसी से और हो गई इसकी ये पार्टीशन हो गए तो निंदा क्या होगा लड़के अपने अपने घर गए और सब चले गए उसका उसका क्या करें कैसे उसकी उसका पालन पोषण करेंगे और कैसे भरण पोषण देंगे तो इसलिए उन्होंने एक शेयर रखा होगा कि भाई जब सब अलग हो रहे हैं तो अम्मा को कम से कम एक शेयर दे दिया जाए कि उससे उनका जीवन व्यतीत हो तो अब देखिए अगर आप डिवीजन करें इसमें तो क्या होगा देखिए इनको और इनको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए पहला डिवीजन बाप बेटे में हो बाप का शेयर और बेटे का शेयर बराबर होता है तो देखिए आधा हो गया इनका और आधा हो गया एंसेस्टर प्रॉपर्टी में एफ का अब मैं उस समय विभाजित कर रहा हूं जब एफ मरे हैं कि पिता और पुत्र में बराबर बराबर शेयर अच्छा ये अब अगर पिता का अपनी ब्रांच में विभाजन होगा अभी भूल जाइए बता दो तो एक हिस्सा इनका एक देखिए वन एक हिस्सा इनका होना चाहिए क्योंकि इनके बेटे मौजूद है बराबर का एक इनका होना चाहिए और एक इनका एक इनका मैं 2020 में कह रहा हूं तो एक दो तीन और ये चार पांच बने तो ये एक बटा दो विभाजन से डिवीजन करने से क्या होगा सॉरी इसको हम लोग डिवाइड कर दें इसका एक बटा दो जो है पांच में आएगा तो एक बटा दस एक बटा दस एक बटा दस एक बटा दस और एक बटा दस अब हमने निकाल लिया कि बाई नोशनल पार्टीशन वन बाई टेन नोशनल पार्टीशन से वन बाई टेन इज द शेयर ऑफ एफ एफ का हिस्सा कितना है एक बटा दस एंसेस्टर प्रॉपर्टी अपनी भी उनका पूरा है कोई हमें परेशानी नहीं वो तो पहले भी यही था अब भी यही ये एक बटा दस इसका आया अब इसे एक बटे दस में देखिए कौन कौन क्लास वाले आए
क्योंकि क्लास वन इवेंट की मौजूदगी में क्लास टू एयर उत्तराधिकार नहीं पाता। तो क्लास वन एयर में आप देखिए हमारे सामने कौन आ रहा है, ये सन होता है, डॉटर होती है और विडो होती है, फादर नहीं होता, यानी फादर की प्रॉपर्टी बैठ रही है। तो फादर का जो पिता है वो क्लास टू एयर है, कल मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, वो क्लास टू में है और ये नहीं इनहेरिट करेगा। तो इसमें एफ के चार उत्तराधिकारी एफ के मरते समय मौजूद हैं, जिनमें रूल के हिसाब से सेक्शन 10 में बराबर से होना चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 जो इसका 1/10 था हमने निकाला था, वो 1/40 ईच टू S1, S2, D and W पसंद करेगा, इन सबको इस तरह से ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये बात आपके ध्यान में रखनी चाहिए और आपको उसको समझना चाहिए कि क्या होता है। पहले मोशनल पार्टीशन किया जाएगा और उसके बाद इसका विभाजन इस प्रकार से होगा। इसको कभी कंफ्यूजन ना हो। नाउडेज इन ऑल द केसेस, अब आजकल क्या मामला है हमारे पास कि हर मामले में हम लोग तो विभाजन करेंगे मोशनल पार्टीशन से, चाहे कोई डॉटर वाइफ कोई हो या ना, इससे बहस नहीं। जैसे मैं उसके एग्जाम्पल को भी दिखा दूं, देखिए ये है एफ एफ, ये है एफ, इनके दो सन है S1 S2, सब मेल है। अगर ये मामला ओल्ड लॉ के अंदर अराइज करता तो नोशनल पार्टीशन ना होता, बल्कि क्या होता, सर्वाइवरशिप का रूल लगता, जितने लोग बचे हुए होते उनको प्रॉपर्टी पास कर जाती। यहां क्या हुआ, एफ डाइड, एफ की डेथ हो गई। जब एफ की डेथ हो जाएगी तो द प्रेजेंट रूल या द प्रेजेंट लॉ इन सेक्शन 6 इज गिवन, मिताक्षरा स्कूल से शासित होते हैं एफ। अब एफ शासित होते हैं, कोई औरत मौजूद नहीं है, ओल्ड लॉ के हिसाब से अगर मैं करूं तो इसमें सर्वाइवरशिप का रूल लगेगा, मुझे कुछ करना नहीं है बचे हुए लोगों प्रॉपर्टी पर, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। तो वही पहला डिवीजन बाप बेटे में होगा, विभाजन पार्टीशन आधा आधा हो जाएगा। तो हमने एफ का शेयर जो आधा निकाला, तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, उस आधे में भी तीन है, बाप और बेटे बराबर होंगे, तो ये आधा इधर जाएगा, तो 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। इनका जो 1/6 आया है, ये 1/6 ऑफ एफ विल पास, ये जो 1/6 है एफ का वो क्या होगा, वो पास ऑन करेगा S1 and S2 उनके दो बेटों में 1/12 ईच। 1/6 जो हुआ है वो 1/12 इनको जाएगा, 1/12 इनको जाएगा, बाकी में को पार्टनरी एग्जिस्ट कर रही है, चल रही है, लेकिन ये 1/6 वो अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अब आपके सामने सर्वाइवरशिप नहीं अप्लाई करेगा, इन ऑल द केसेस देयर विल बी द नोशनल पार्टीशन। इस पॉइंट पर मैं आपको जरा सा एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीशन की तरफ लाना चाहता हूँ, उस पर आप ध्यान देंगे कि ये जो हुआ केस है 1986 का केस है, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर केस है, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर वर्सेस द अदर पार्टी चंदर सेन, CHUNDER चंदर सेन, रेफरेंस है 1986 सुप्रीम कोर्ट, 1986 सुप्रीम कोर्ट 1783 AIR में, आप देखना चाहें तो 1986 का AIR देखें, उसमें सॉरी 1753 है नॉट 83 1753 ये केस है। इसमें देखिए इसमें नोट करके आप करते चले, मैं आपको बताता चलता हूं कि जो अंडर सेक्शन 8
when a property is inherited under Section 8, Supreme Court laid down, when a property is inherited under Section 8 of Hindu Succession Act 1956, it is not a coparcenary property. ये बड़ा ही vital change है. यानी इसने एक तरीके से, मैं समझता हूँ एक जमाना ऐसा आने वाला है कि जब मिताक्षरा हिंदू को पार्टनरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब धारा 8 में कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है, उत्तराधिकार में पाई जाती है, तो फिर वो को पार्टनरी प्रॉपर्टी के क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाती है. पहले ये था कि जो हमें पिता से अपनी प्रॉपर्टी मिली है या दादा से प्रॉपर्टी मिली है, उसमें जैसे ही हमारा पुत्र पैदा होता है या बेटा पैदा होता है, उसका एक बर्थ राइट क्रिएट हो जाता है. मगर ये कह रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लर्न जजेस कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 8 में, क्योंकि देखिए आप तो हर केस में आप देखें, चाहे वो नोशनल, हर में नोशनल पार्टीशन होगा, और नोशनल पार्टीशन होने के बाद, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में दिया था कि पिता का जो 1/6 हिस्सा था वो 1/12 बढ़ गया, तो इस 1/12 में अब जो बच्चे आएंगे बाद में आ रहे हैं, उनका कोई बर्थ राइट बनने वाला नहीं है. ये एक पोजीशन 2005 के अमेंडमेंट से पहले नहीं थी. सो व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर इज इनहेरिटेड बाय सन एज हेयर, द ग्रैंडसन हैज नो राइट बाय बर्थ और सर्वाइवरशिप. Neither there is rule of survivorship nor the birthright. At present, after the amendment of 2005, in all cases, the property is inherited under Section 8 after notional partition. अब 2005 में, देखिए ये जो केस मैंने आपको कोट किया है, ये तो 1986 का है, तब 2005 का amendment नहीं था. उन्होंने ये कहा कि अगर सेक्शन 8 में जो प्रॉपर्टी बढ़ गई किसी औरत के होने की वजह से, वुमन के होने की वजह से, तो फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, तो लॉ ऑफ नहीं जगह है. अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद बात ये है कि चाहे वो ऐसा सर्वाइवरशिप वाला रूल जो पुराना था वो अबॉलिश हो गया, तो हर केस में नोशनल पार्टीशन होगा और हर केस में सक्सेशन सेक्शन 8 से शासित होगा. तो जब सेक्शन 8 से शासित होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि देयर विल बी नो फर्दर क्रिएशन ऑफ अ न्यू कोपार्सनरी. पहले ये रूल था कि अगर किसी के पिता ने मान लीजिए सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कमाई, नौकरी की, बिजनेस किया, खुद अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, उसकी डेथ हुई और उसकी डेथ के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्र ने उत्तराधिकार में पाई, जैसे ही पुत्र को उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी मिली, ये पैतृक हो गई, एंसेस्टर हो गई. अब इसका जो बेटा होगा, इसका पैदा होगा या इसका ग्रैंडसन हो, ग्रेट ग्रैंडसन हो, उसका बर्थ राइट क्रिएट हो जाता था, जो अब नहीं हो सकता. सेक्शन 8 में कोई प्रॉपर्टी अगर इनहेरिट हुई तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा. एक सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद उत्तम एक केस है, उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह, उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 2016 में, डिसाइड 2016 में, डेट भी हमारे पास मौजूद है, 2016 की डेट जो है जो 2 मार्च की है, फॉलोड द इन विच के इन दिस केस उत्तम सिंह उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह में, जो ऊपर हमने केस रेफर किया आपको, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर वर्सेस चंद्र सेन, जो कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर चंद्र सेन का केस है 1986 का, उसको इन्होंने कोट किया और फॉलो किया है. तो इसका मतलब है अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द सेम पोजीशन दैट वंस द प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड अंडर सेक्शन 8 आइदर आफ्टर नोशनल पार्टीशन और विदाउट एनी नोशनल पार्टीशन, इट इज नॉट द एंसेस्ट्रल and nobody, it will be actually the obstructed heritage, nobody will get a birthright. So these are the cases which are followed later on. The
that the Act is amended. When Act is amended, the old concepts are also amended. So it has affected the Mitakshara Kopashnari. In nutshell, you may see that first thing is you have seen that at the in the case in the old Hindu law, Mitakshara Kopashnari, the women were not the Kopashnari. But leaving the Dravidian school, all the sub school allowed that a mother would, at the time of partition, entitled to one share equal to son. This was the rule. Now, after the amendment of 2005, the daughter is also the co-partner in the same way as the son. The second rule is this. She has same right and she is subject to the equal duty like a son. There is no difference at all. Then we come to the conclusion that they have said that in this section that there is no question of the the survivorship. The rule of the survivorship was abolished at all. So by this thing you may see that they have changed. There was a vital change by the section 6 in Hindu old Hindu law of Mitakshara Kopashnari at the time of when it was passed in 1956, and further there was a change, and that change was by the introduction of section 6 or the rewriting of section 6 in the Hindu Succession Act by the amendment of 2005, where the daughters were also made the co-partner, and moreover with the daughters co-partner, the abolition of the rule of survivorship. In all the cases there will be succession. And further, you have seen that the Supreme Court has accepted that once a property is inherited of a male Hindu by any person, so then it is the self-acquired property or obstructed heritage, sapratibandha type of property, and there cannot be a further creation of co-partnery in that property. So we will continue in the next our discussion. A few points which are remained in this section 6, and further what is in order to complete the general rules etc. of the Hindu Succession Act 1956. Thank you. I pray God that you will be safe and you will be clear about this thing, that law should be studied and you should present it. I am hopeful that you will pray for others also. Thank you. My dear students, although you are not present here in my class before me, still I am thinking that you are listening to me, and that there is a conversation just like in your absence. I want to wind up the Hindu Succession Act 1956 main points before you. And if you have any problem there, as you know that, you may ask it on my WhatsApp number, etc. Other things also, and I try to the best of my efforts to solve your problems. I simply want that in nutshell, if I will present, including section 6, their position before the amendment of 2005 on the board and after the amendment of 2005. Before the amendment of the 2005 means that starting from 1956 Hindu Succession Act till the amendment of 2005 came. There are some similarities and there are some differences also. Number one, equal share. Yes. My dear students, probably it will be the last lecture in order to cover the remaining portion of the Hindu Succession Act 1956. And although in class studies your questions and my answers would have taken a long time, I am sorry, due to the prevailing circumstances of the country or of the world, it was not possible that we may involve one-to-one discussion here in the class. I pray for your health and I pray for your safety. Similarly, I want that you should also pray for the entire world so that we should be out of this epidemic. This is we will start this lecture with the comparative study of the Hindu Succession Act 1956 before the amendment of 2005 and after the amendment of 2005. 2005 ke sanshodan ke pehle
आज के संशोधन के बाद हम दोनों हम लोग देखेंगे इसको। हम लोगों ने देखिए इसमें नोट भी कर लिया है, आप जो है पॉइंट वाइज देखना चाहें, अगर क्लास में आप होते तो मैं आपको नोट भी करवाता, लेकिन आप मैं जैसे धीरे धीरे चल रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं कि बिफोर वन कॉलम बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 व्हेन यू विल सी इन द नटशेल इट विल बी इजी टू कैच इट एंड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 सी द नंबर वन इक्वल शेयर इज गिवन बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2005 इक्वल शेयर टू क्लास वन एयर्स वेयर गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिफरेंट एट द टाइम व्हेन द रूल्स अंडर सेक्शन 10 वाज अप्लाइड we have earlier discussed it, these were 12 in numbers at that time in schedule 1, class 1 year, number of years were 12. After the amendment of 2005 in the second column, the position is the same, but 4 new years were added and now they are 16 in number. It is further to be noted by you that these were in class 2. And it is also a problem that they are not moved or they are not repealed from class 2 but placed in class 1. But when they are class 1, they will inherit in class 1. There is no need to claim by them class 2 heirs. Number 2, there was two types of systems for Mitakshara coparcenary of the deceased coparcenary. When you talk, we discussed it earlier, that before the amendment of 2005, starting from 1956, what is the 2005 amendment तक आ पाए, तो हमने आपसे कहा था कि दो rules थे, एक male Hindu को parsinger के मामले में या एक male Hindu के मामले में दो rules थे। अगर property उसकी को parsinger बनी थी, he was a co parsinger, then the position was that it may either be passed are devolved by survivorship rule or by the rule of succession under section 8 to 10 onward by the notional partition. And when the notional partition was applied, when there was a woman heir of class 1 or daughter son, this was the position. But there is an important change. Now you see that there is only one type of devolution after 2005. In the case of a male Hindu who is belonging to the Mitakshara coparcenary and his share is in the Mitakshara coparcenary, there will be not two types of devolution like old law before 2005, one under the survivorship and other one under the succession of section 8 to 10. पहले दो तरह का होता था कि survivorship या उत्तरजीविता का सिद्धांत लगता था और सेक्शन 8 से 10 तक सक्सेशन या उत्तराधिकार के नियम लगते थे, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपके पास प्रेजेंट है, वो सुरक्षित है, आप इससे अगर समझ में नहीं आया तो देख सकते हैं। देयर इज नाउ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ डिवोल्यूशन, न्यागमन का अब एक ही तरीका है इन ऑल द केसेस। देयर इज एक्चुअली नोट इट इज टू बी नोटेड इन बोल्ड लेटर्स दैट रूल ऑफ सर्वाइवरशिप इज एब्सोल्युटली अबॉलिश्ड। Rule of survivorship is absolutely abolished. जो उत्तरजीविता का सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से हिंदू लॉ के अंदर हिंदू मिताक्षरा सादायकी में समाप्त कर दिया गया है। And in all the cases there will be a notional partition, एक काल्पनिक विभाजन होगा और उस काल्पनिक विभाजन के आधार पर बात जब आगे बढ़ेगी तो फिर सेक्शन 8 से 8, 9 और 10 के नियम अप्लाई करके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें जो नियम था, तीसरी बात जो आपके सामने लाना चाहते हैं कि बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 ओनली द मेल मेंबर्स टू फोर जनरेशन, चार पीढ़ियों तक के जो पुरुष होते थे, यानी पिता, उसका पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र के पुत्र का पुत्र, फादर देन सन, सन सन एंड सन 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 वेयर द कोपार्सिनर्स, डॉटर एंड अदर फीमेल मेंबर्स वेयर नॉट कोपार्सिनर्स। ये सादायिक नहीं होती थी,
आपको उसके अंदर एक रूल बताया था कि मिताक्षरा को पार्सनरी के संदर्भ में कि मिताक्षरा स्कूल के चार सब स्कूल्स जो हैं एक द्रविड को छोड़ करके उसमें पार्टीशन के समय माता को पुत्र के बराबर हिस्सा दिया जाता है, मदर्स गेट इक्वल शेयर टू द सन, बट शी इज नॉट ए को-पार्सनर, लेकिन वो सहायक नहीं होती थी. द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल चेंज विच इज मेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2005 दैट इज द डॉटर इज प्लेस्ड इन द सेम पोजिशन एज द सन इन द को-पार्सनरी. पुत्री को सहदायकी में उसी स्थिति में ला करके रख दिया गया है जिसमें पुत्र होता था, और पुत्री को लाने के बाद सहदायकी में रखने के बाद पुत्र और पुत्री का अधिकार एक जैसा हो गया है, और अधिकार ही केवल एक जैसे नहीं हो गए, उनके दायित्व उनकी लाइबिलिटीज भी एक जैसी हैं. दायित्व जो पुत्र का है वही दायित्व पुत्री का भी है. तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि डॉटर ये डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो से कोई अंतर नहीं पड़ता. ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है. अच्छा, ये हमने आपसे शुरू ही में कह दिया था कि कुछ नए लोगों को इसके अंदर जोड़ा गया है. सेक्शन क्लास वन एयर में पहले 12 थे, उनकी संख्या 16 हो गई है. डिटेल आप शेड्यूल से देख सकते हैं. अगर मैं रिपोर्ट पर होता तो मैं बना भी सकता था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से आई रिग्रेट फॉर इट. और इसीलिए जो लिस्ट इनलार्ज हो गई है, यानी अब अमेंडमेंट में पहले 12 यहाँ थे, वहाँ अब पढ़ करके 16 हो गए, और इसमें दो लोग जो इक्वल रैंक के हैं, अगर आप सेकेंड कॉलम में जोड़ना चाहते हैं तो देखिए, डॉटर्स डॉटर जो मर चुकी है, डॉटर्स सन और उसका बेटा मर चुका है, उसका बेटा डॉटर्स सन सन और सन्स डॉटर्स सन आर मिसिंग इन द लिस्ट इन क्लास टू क्लास वन एयर. नाउ जो हमारा रिसेंट है ये अभी क्लास टू एयर में है, जबकि डॉटर्स सन्स डॉटर और सन्स डॉटर्स डॉटर क्लास वन एयर है. तो जब उनका वो खुद क्लास वन एयर है, लड़की का पुत्री के पुत्र का पुत्र दूसरे क्लास का एयर है, और पुत्री के पुत्र की पुत्री वो इस क्लास की एयर क्लास वन एयर है. ये गड़बड़ है इसके अंदर, बाई एक्सीडेंटली ये मिस्टेक हुई होगी. तो डॉटर सन सन और सन डॉटर सन, ये ध्यान रखिएगा कि ये लोग एयर नहीं है, क्लास वन वाले प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है, जबकि इनकी बहन जो है वो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है. अच्छा, इसके बाद देखिए जो इन्होंने ये महत्वपूर्ण चेंज ये किया वो सेक्शन 23 में किया है. सेक्शन 23 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंडमेंट के पहले, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था, वो ड्वेलिंग हाउस से जो रिहायशी मकान है, रहने वाला घर है, उसके संदर्भ में था, और वो उसमें फैमिली मेंबर्स रहते थे. उसमें कोई भी फीमेल एयर, कोई भी उत्तराधिकारी जो हो, चाहे बाप का मान लीजिए थोड़ी देर को मकान था, अपना सिर्फ एक्वायर्ड घर था, बाप के मरने के बाद नेचुरली के पुत्र ने भी इनहेरिट किया, पुत्री ने भी इनहेरिट किया, तो हजार वो पैतृक मकान नहीं है, जाति मकान था एक व्यक्ति का. उसके मरने के बाद थोड़ी देर को मानिए एक बेटा है एक बेटी है, बेटे का आधा हिस्सा हो गया, बेटी का आधा हिस्सा हो गया, उन्होंने उन्हें इनहेरिट कर सकते थे वो. तो उसमें रूल ये था कि कोई भी फीमेल मेंबर विभाजन की मांग नहीं कर सकता था, और जब तक के मेल एयर्स जो हैं पुरुष उत्तराधिकारी जो हैं उसको डिवाइड करने के लिए तय नहीं करते. वो लड़कियां वो पुत्रियां जो अविवाहित हों या जिनको उनके पतियों ने अबेंडन कर दिया है, डेजर्टेड है, जो औरतें उनको अलग कर दिया या अपने पतियों से अलग हो गई हैं, उनको रहने का अधिकार था. अच्छा, अब देखिए ये सिचुएशन हम सेक्शन 23 में वहां से कहते हैं कि पोजीशन ये थी, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, हाउस मेड बाय फादर, ये पैतृक नहीं है, नॉट एंसेस्ट्रल. पहले इन्फ्लुएंस हुआ करता था ना, अब उसमें एक लड़का है S1, एक S2 है और एक लड़की है D. ये मर गया, जब पिता की डेथ हो गई तो रूल के हिसाब से सेक्शन 8 में जब आप बांटेंगे,
1/3 इनका कैश, उनकी प्रॉपर्टी, खेत, जो कुछ रहा हो इस तरह बटेगा। तो हाउस में भी इसका 1/3 हुआ। लेकिन सेक्शन 23 देखिए, एक बात है, ये लड़की नॉर्मली क्या होता है, इसकी शादी हो गई, अगर अदालत का केस है और ये लड़की डी जो है कलकत्ते में इसकी शादी हुई है, ये चली गई, वहां इसका घर है, इसकी फैमिली है, उसको लगता है कि भाई ये लगभग 60 लाख का मकान है, अगर मैं अपना हिस्सा बंटवा करके बेचूं तो मुझे 20 लाख मिल जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर छोटा सा घर है, कहीं बस रह रहा है, वो इस तरह इस काबिल नहीं कि या तो पूरा बेचा जाएगा नहीं तो विभाजन नहीं हो पाएगा। तो ये S1 S2 जो उसके भाई हैं, उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जाएंगे कहाँ? अगर ये बांटने लगे मकान को, जिस समय ये बांटने लगेंगे तो हम लोग कहते हैं कि फिर इनका जरूर शेयर बनना चाहिए, उसका जो शेयर है उसे प्राप्त होना चाहिए। मगर ये पार्टीशन स्वयं नहीं मांग कर सकती अपने भाइयों से, ये पोजीशन हमारी थी 2005 से पहले। इन्होंने जो अमेंडमेंट किया उसके बाद ये पोजीशन हमारी आई सेक्शन 23 में प्रोबेबली इसी से आया है। मैं देखते बताता हूं, इन्होंने एक्चुअली हमारे यहाँ इसको इन्होंने डिलीट कर दिया। हाँ, 2005 के अमेंडमेंट से सेक्शन 23 को हटा दिया। तो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि सेक्शन 23 वाज नाउ डिलीटेड। Now the married and unmarried, both kinds of daughters have the same right as son to reside. एक बात, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, पहले जो पुत्री थी अगर वो मैरिड होती थी तो उसको रहने का भी अधिकार नहीं है इसके अंदर मकान में, जो रिहायशी मकान है, क्योंकि उसकी शादी हो गई, जाके अपने पति के साथ रहे, अपने ससुराल में रहे। जो लड़की अविवाहित है या विधवा है या सेपरेटेड है या जिसको उसके पति ने डेजर्ट कर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको रहने का हक सेक्शन 23 ने दे रखा था। अब सेक्शन 23 के हटने से ये हुआ कि विवाहित पुत्री भी, फॉर एग्जांपल मेरी जो एग्जांपल थी आप लोगों को मैंने दी थी कि वो सेक्शन 23 में समझाने के लिए कि लड़की की शादी हो गई कलकत्ते में रहती थी। अब यहाँ हमारी बात है कि उसके दो भाई हैं, उस घर में रह रहे, छोटे सा मकान है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, पति का ट्रांसफर हो गया कलकत्ते से इलाहाबाद हो गया, अब वो इलाहाबाद आए, उनके खुद भी मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जब इलाहाबाद आए और ये उसी में रहने की कोशिश करेंगे तो क्लैश शुरू होगा। तो सेक्शन 23 ने यह किया था कि मैरिड डॉटर है तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको ये हक नहीं होगा कि वो उसमें रिजाइड करे जब तक कि वो इस कैटेगरी में ना जाए कि पति रख नहीं रहा, पति ने निकाल दिया है, विधवा हो गई है या विवाहित है, तो उसको रहने का, रिहाइश करने का हक था। अब इन्होंने क्या किया कि वो हक मैरिड या अनमैरिड उसको रिजाइड करने का भी है अपने हिस्से में, बंटवारा करवाने का भी हक है, वो बेच भी सकती है। तो ये जो सेक्शन 23 के हटने से आई थिंक दैट इट इज नॉट ए गुड प्रोविजन प्रैक्टिकली, क्योंकि जब आदमी को तकलीफ नहीं होती, परेशान नहीं होता, और आज के दौर में वी आर लिविंग इन मटीरियलिस्टिक एज वेयर द लव इज डिमिनिशिंग, और यहाँ पर प्रेम और मोहब्बत ये सब खत्म हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ ही को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो लड़की ब्याह के बाद कहीं चली गई और रहने लगी, उसके दिमाग में खाली पैसा दिखाई पड़ रहा है, अब इसके बेचने के बाद उसके भाइयों का क्या हाल होगा, रिश्तेदारों का क्या हाल होगा, इसकी कोई परवाह नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि सेक्शन 23 ने जो काम पहले किया था वो बेहतर था जो ये मौजूदा है, लेकिन अब है सेक्शन 23 हट गया है 2005 के संशोधन से। सेक्शन 23 के हटने के बाद अगर किसी लड़की का किसी रेजिडेंशियल हाउस में भी कोई हिस्सा है तो पार्टीशन भी करवा सकती है, उसे बेच भी सकती है, उसमें आकर रह भी सकती है, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो, ये इसका चेंज। अच्छा, इसमें एक सेक्शन 24 था, वो विडोज के कॉन्सेप्ट में था, सेक्शन 24, इसको भी इन्होंने 2005 में अमेंड कर दिया। तो सर्टेन विडोज वो क्या था, इंटाइटल टू इनहेरिट एज ए विडो हैड नॉट राइट ऑफ इनहेरिटेंस इफ फ्रॉम द डेट व्हेन सक्सेशन ओपन्स शी हैड रीमैरिड। धारा 24 में कुछ विधवाएं थी, विधवाओं का नाम है में मेंशन था कि अगर किसी ने विधवा की कैपेसिटी में उत्तराधिकार पाना है उसको, तो ऐसी परिस्थिति में वो तभी उत्तराधिकार पा सकती है जब जब उसने पुनर्विवाह न कर लिया। तो
तो एक देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने सेक्शन 24 हटाया है तो भी क्या असर पड़ता है इसका। देखिए एफ इज द फादर इज हिज सन अच्छा दिस सन एस वन और ए एस अच्छा एस एस वन शेयर डब्ल्यू सबो फर्स्ट सबो दैट डब्ल्यू वन इज वुमन एस वन डाइड So, if when father dies, under the rules, you will get that half share would pass to the widow of S1. Rule के हिसाब से ये होगा, son's widow entitled होगी एक हिस्से के लिए, और एक हिस्सा इधर जाएगा, तो आधा आधा हो गया, son's widow. Section 24 में mention था कि अगर, अब ये भी हो सकता है कि ये son मरा हो, उधर को मानिए 2010 में मरा, और फादर की डेथ 2020 में हो रही है इस बीच में W1 ने रीमैरिज कर ली रीमैरिज हो गई W1 की तो पहले सेशन 24 ये कहता था कि अगर इसने रीमैरिज कर ली है तो ये इंटाइटल नहीं होगी ठीक है इसको फिर नहीं मिलेगा सन्स विडो का शेयर तभी मिलेगा जब उसने उस समय रीमैरिज न की हो अब है अब उन्होंने सेक्शन 24 हटा दिया तो वो लोग आमतौर पर आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा बट आई डोंट एग्री विद द टेक्स्ट बुक राइटर्स दैट दे से दैट नाउ रीमैरिज इज नॉट अ पार्ट मैं कहता हूं जैसे ही डब्ल्यू वन ने रीमैरिज की वेदर शी इज विडो ऑफ एस वन सवाल ये है कि जब उसने पुनर्विवाह किया तो क्या विधवा है मैं हिंदू सोसाइटी में कहता हूँ कि अगर हिंदू सोसाइटी वाले मुझे बताए कि एक औरत है उसके अपने पति के मरने के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया तो उसको विधवा कहेंगे ये उसकी बीवी थी अब जिसकी बीवी है तो उसकी बीवी है तो ये विधवा नहीं है तो इसलिए उन्होंने हो सकता है सेक्शन 24 को इसलिए ड्रॉप कर दिया हो हटाया हो कि देयर इज नो नीड वंस ए वुमन मैरिड विद अनदर पर्सन शी इज नॉट ए विडो जैसे ही एक औरत किसी दूसरे से विवाह करती है उसका वो मामला खत्म हो जाता है तो ये सेक्शन 24 चाहे हो चाहे न हो विडोज की रीमैरिज के बाद ये बार लगाया जाएगा तब फिर बात जो लास्टली मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक सिमिलैरिटी भी है और वो ये कि मैंने शुरू में आपसे बताया था कि सेक्शन 30 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के एक मेल को पार्षदर के पास एक पुरुष सहकारी के पास ये अधिकार था कि वो अपना हित अपना इंटरेस्ट वसीयत के द्वारा किसी को भी दे सकता था बिना पार्टीशन करवाए वसीयत के द्वारा बिना पार्टीशन करवाए हुए अपना हित किसी को भी ट्रांसफर कर सकता था वो प्रोविजन अब भी वैसा ही है बात क्या है कि फीमेल भी कोपार्टनर्स हो गई हैं तो फीमेल कोपार्टनर भी अपने हित का अंतरण कर सकती है पहले तो ये रूल था ना कि जो उसकी पोजीशन बनती है मैं सेक्शन भी आपके सामने ले आऊं ए एनी हिंदू मे डिस्पोज ऑफ बाय विल और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो डिस्पोज्ड बाय हिम और बाय हर पहले इसमें ये ऐड किया गया है 2005 में हिम था हर नहीं था इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जैसे धारा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में होता है वसीयत की जाती है वैसे ही आर इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स तो वसीयत करने का अधिकार पुरुष के साथ साथ स्त्री के पास भी मौजूद है तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि धारा 30 में कोई परिवर्तन नहीं सिवाय इसके कि पुरुषों जैसा स्त्री को भी अधिकार है क्योंकि स्त्री भी सहायक है अच्छा एक चीज और महत्वपूर्ण है जो इसमें चेंज की गई है वो इसमें पहले थी वो कहलाती थी डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन To pay the debt of the father, debt of the father. ये पिता के बल्कि इसमें फादर अकेला नहीं होता देखिए सन जो है इसकी जिम्मेदारी है ये लोगों की देखिए
ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। याद रखिए कि ये डॉक्टर नाथ पायस एप्लीकेशन कहलाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम सब जगह ये है कि कोई आदमी ऋण ले तो ऋण को अदा करे, नहीं तो फिर उसको इसको भोगना पड़ेगा दूसरी दुनिया में, नेक्स्ट वर्ल्ड में, बल्कि शायद मनुस्मृति में आया है या कहीं पर, यानी जो हम लोगों को डराने के लिए बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई आदमी ऋणी मर जाता है तो ऋणी मरने का अंजाम ये होता है कि अगले जन्म में जब वो जन्म लेता है, नेक्स्ट जन्म उसका होता है, तो वो ऋणदाता के परिवार में एक चौपाय की सूरत में पैदा होता है या एक गुलाम की सूरत में, दास की सूरत में जन्म लेता है। और अजब इंटरेस्टिंग सूरत है कि या फिर एक औरत की, लड़की की सूरत में उसका जन्म होता है। तो उन्होंने ये बात कही है। तो पायस एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई आदमी अपने ऋण को अदा नहीं करेगा और ऋण को पे नहीं करेगा तो हमारी सिचुएशन ये है कि फिर ऐसा आदमी जो है एक समाज में तरह का क्रिएशन होता है। तो डॉक्टर नाथ पायस, देखिए एक रूल ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जनरल लॉ, सारे लॉज में है, और वो रूल ये है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं तो उसकी लाइबिलिटी भी इनहेरिट करते हैं। इफ़ यू गेट एनी प्रॉपर्टी यू ऑल्सो हैव द लाइबिलिटी ऑफ द सेम। So the doctrine of pious obligation, remember that, is actually the basis of the religious law also as well. ये बात आप और हम सब याद रखें, हर सिस्टम में liabilities और rights दोनों साथ साथ होते हैं। अगर किसी आदमी के से आपने उत्तराधिकार पाया है तो उसके दायित्व भी पाए हैं। तो अगर किसी आदमी ने कोई ऋण ले रखा है तो आपको अदा करना पड़ेगा, ये एक जनरल रूल है। डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन का नियम ये था कि जब एक सहदाइक, कोई भी सहदाइक है, उस सहदाइक को अपने पिता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि पुत्र होने के नाते उसको बर्थराइट मिला था, और या दादा का जो ऋण हो या दादा के पिता का जो ऋण हो वो अदा करना लीगली उसकी जिम्मेदारी थी निकाक्षा को पार्टनरी में, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी that is the joint family property or the ancestral property, doctrine of pious obligation इसे कहते थे। वैसे तो एक पवित्र और पुनीत कर्तव्य है कि अपने पिता के, दादा के, इत्यादि के ऋण को अदा किया जाए धार्मिक दृष्टिकोण से, ये बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो देखिए मिताक्षरा कोपार्टनरी में एक कोपार्टनर का एक हित होता है, बाई बर्थ एक हित होता है। तो उसका नतीजा क्या है कि अगर उनके बाप दादा या दादा के पिता ने कोई ऋण ले रखा था तो उसमें उसके हित का को भी रियलाइज किया जा सकता है। ये इट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन जिसको सेट किए तो 2005 के अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया। यानी अब पुत्र का कोई भी पुनीत कर्तव्य ये नहीं है कि वो अपने पिता, दादा या दादा के पिता के ऋण को अदा करे। ये आपकी लेटेस्ट पोजीशन आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रीफली दो हमने आपसे कुछ बातें और भी की थी एक्सक्लूजन के सिलसिले में, लेकिन आपको एक जनरल बात तो बताते चले कि उसके अंदर कि ये याद रखिएगा, जैसे जनरल प्रिंसिपल जो हम लोगों ने शुरू में डील नहीं किए थे शायद उसमें आपको मालूम होना चाहिए, सेक्शन 18 में इन्होंने कहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 18 में बात कही गई है कि फुल ब्लड इज प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड इफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज सेम इन एवरी रिस्पेक्ट। यानी जो हाफ ब्लड हम लोग वहां कहते हैं जहां पर पिता एक हो माताएं अलग हो, मान लीजिए तो ये कंसेंग्विन होता है, तो सगा जैसे भाइयों में बंटवारा हो रहा हो या भाई उत्तराधिकारी हो तो जो फुल ब्रदर है उसको प्रीफरेंस दिया जाता है, द कंसेंग्विन ब्रदर ऑफ आर हाफ ब्रदर इसको हम लोग कहते हैं, इस पर ये सेक्शन 18 में, और ये एक जनरल रूल है और लोगों पर भी ये रूल अप्लाई करता है। इसमें प्रिवी काउंसिल का डिसीशन 1933 का है, गुरीनाथ वर्सेज मोहनलाल दास, नारायण वर्सेज पुष्पा गजनी केरला का 1991 का है। तो ये नियम है, यहाँ तक कि फुल सिस्टर
केस है 1991 का केरला का, नारायणा वर्सेस पुष्पा रजनी, ये 1991 केरला टेक 10, अगर ए आई आर में आप देखेंगे केरला में तो पेज नंबर 10 पर 91 में मिल जाएगा आपको कि जब सिस्टर बाय फुल ब्लड एंड ब्रदर बाय हाफ ब्लड में मुकाबला हुआ है पुत्राधिकार का, कि यानी एक पुत्री है और फिर हमारे मुकाबले में क्या है, पुत्री जो सॉरी बहन है जो सगी बहन है और एक भाई है जो सगा नहीं है, बाप की तरफ से हमारा भाई है माँ की तरफ से नहीं है, तो अगर इन दोनों में टकराव होता है कि कौन उत्तराधिकारी होगा, तो ये 1991 के डिसीशन में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि फुल सिस्टर जो है वो हाफ ब्रदर को एक्सक्लूड कर देगी। तो इसलिए देखें इसी तरह से एक रूल है जो सेक्शन 21 में दिया गया, 21 में दिया गया है कि प्रिजम्पशन अगर इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, अगर दो आदमी जैसे बाप बेटे एक साथ मर जाए या दो भाई एक साथ किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं या किसी ऐसी जगह मरते हैं कि ये नहीं मालूम हो पा रहा कौन पहले मरा, तो क्या करें, उत्तराधिकार बांटते समय क्या करें, किसको जिंदा समझें किसको मुर्दा समझें, तो इसमें हिंदू लॉ का रूल ये है कि द यंगर सर्वाइव द एल्डर, जो छोटा है उसके लिए हम लोग उपधारणा करेंगे कि वो बाद में मरा है, जैसे बाप बेटे में बाप को की मौत पहले मानेंगे बेटे की बाद में, बड़े भाई और छोटे भाई के मामले में हम लोग ये मान के चलते हैं कि बड़ा भाई पहले मरा होगा छोटा बाद में मरा होगा, लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई ये वर्डन साबित हो जाए तो पोजिशन बदल जाती है। ठीक है, तो कुछ केसेस सेक्शन 22 में आते हैं जिसमें प्रेफरेंशियल राइट होता है एक्वायर करने का। अच्छा, इन्होंने एक सेक्शन 20 दिया है, सेक्शन 20 में द चाइल्ड हु इज इन द वॉम्ब ऑफ द मदर, वो बच्चा जो गर्भस्थ है जो माँ के गर्भ में हो एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, एक आदमी के मरते समय अगर कोई बच्चा गर्भ में हो जो उत्तराधिकार पाता अगर मौजूद होता, तो उसमें नियम ये है कि जिसे हम लोग पोस्थोमस कहते हैं मरणोपरांतज मरने के बाद जो पैदा हुआ, तो लीगल फिक्शन है और वो लीगल फिक्शन ये है कि अगर वो जिंदा पैदा हो गया जीवित पैदा हो गया तो ये माना जाएगा कि जिस दिन वो व्यक्ति मरा था ये बच्चा मौजूद था, और अगर मुर्दा पैदा हुआ माँ के पेट में मर गया तो फिर मानते हैं हम लोग कि ये उस दिन मौजूद नहीं था। तो नॉर्मल पीरियड में जो हमारे यहाँ 280 दिन का होता है अगर उसके बीच में ये पैदा हो जाए तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये आदमी पैदा हुआ है तो ये एग्जिस्टेंस में है, इसको एक शेयर अलॉट करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस मामले में रूल ये रखते हैं। डिसक्वालिफिकेशन की बात मैंने कल भी शायद आपसे की थी और हमने आपका से कहा था कि हिंदू लॉ में ओल्ड लॉ जो भी रहा हो, न्यू लॉ में ये है कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है हत्या कारित करता है तो जो हत्यारा है वो जिसकी हत्या कारित की है जो मर्डरर है वो मर्डर्ड पर्सन के ना वसीयत पा सकता है और ना ही उसे उत्तराधिकार मिल सकता है। ये रूल है जो मुस्लिम लॉ में भी ये रूल अप्लाई करता है, हिंदू लॉ में भी ये रूल अप्लाई करेगा एक्सक्लूजन के हिसाब से ये है। इस तरह से कन्वर्ट जो है अगर कोई दूसरे धर्म में परिवर्तन कर ले, मान लीजिए एक हिंदू था और हिंदू से मुसलमान हो जाता है या ईसाई हो जाता है, तो हिंदू लॉ के हिसाब से वो नॉन हिंदू हिंदू से उत्तराधिकार नहीं पाएगा। मगर मतलब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये अराइज करती है कि 1850 में एक एक्ट पास हुआ था द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, और उसके हिसाब से ये उत्तराधिकार प्राप्त करेगा। वो लोगों ने इसलिए बनाया था, उस जमाने में शायद क्रिश्चियन ज़्यादा हो रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से, तो चाहे हिंदू क्रिश्चियन हुआ हो या मुसलमान क्रिश्चियन हुआ हो उसको उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। मगर उसके जो इश्यूज हैं उसकी संतानें जो नॉन हिंदू हों तो वो इनहेरिट नहीं करती। तो ये मोटे तौर पर आपके सामने ये बात है। अब हम लास्टली एक चीज़ कवर कर लें आपके पास कि हमने अभी तक आपसे जो बात की थी वो मेल के संदर्भ में की है कि एक मेल हिंदू एक पुरुष हिंदू जो मरता है तो उसकी पोजीशन ये होती है। स्त्री हिंदू के बारे में एक डिफरेंट है, देखिए अब भी पुरुष और स्त्री के डिफरेंस को हिंदू लॉ ने मेंटेन कर रखा है।
कि अगर एक केस ऑफ इनहेरिटेंस है फीमेल हिंदू का, यानी हिंदू स्त्री, हिंदू फीमेल जो है इसका जो उत्तराधिकार शासित होता है। देखिए एक चीज हम लोगों ने क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी की थी, वो आप सबके आप पुराने अपने नोट्स देखिए आपको मिल जाएगा कि सेक्शन 14 को हम लोगों ने स्टडी किया था, फिर जो रिलेटेड था स्त्री धन और आपके वुमन्स स्टेट के संदर्भ में था, ये यानी नारी संपदा जिसे हम लोग कहते थे, ये मामला था कि स्त्री धन एक स्त्री की वो प्रॉपर्टी थी जो जिस पर उसको एब्सोल्यूट राइट हुआ करता था। याद है आपको कि स्त्री धन में उसके पास एक प्रकार का एब्सोल्यूट या पूर्ण अधिकार हुआ करता था, ये जो उसके पास गिफ्ट्स हैं या विवाह के समय जो उसे गिफ्ट मिलते थे या ससुराल में जो उसे गिफ्ट मिला इसमें उसका एब्सोल्यूट राइट होता था, जिसको चाहे ट्रांसफर करे जिसको चाहे दे दे। लेकिन विधवा की हैसियत से जो उसको प्रॉपर्टी पति के मन में से विशेषता प्राप्त होती थी वो वुमन्स स्टेट कहलाती थी, नारी संपदा, और इसमें उसका राइट एब्सोल्यूट नहीं होता था ट्रांसफर करने का, ये ओनर होती थी मगर वो लिमिटेड ओनर थी। सेक्शन 14 ने क्या किया, फिर याद कीजिए आप पुराना जो आपको पढ़ाया था, सेक्शन 14 ने इसमें चेंज कर दिया, और सेक्शन 14 का चेंज जो था, जो परिवर्तन हुआ सेक्शन 14 के आधार पर, वो आपका परिवर्तन ये है कि सेक्शन 14 ने कहा 14 क्लास 1 आप याद कीजिए, सेक्शन 14 ने कहा कि जब ये एक्ट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट के आते समय या बाद में, अब कोई हिंदू स्त्री जिस प्रॉपर्टी को विधिवत रूप में पजेस कर रही है, जो प्रॉपर्टी उसके पास है पजेशन में है, तो हमें ये याद रखना चाहिए वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। यानी स्त्री धन और नारी संपदा का जो अंतर 1956 के अधिनियम के पहले था उसको साधारण 14 खंड 1 में खत्म किया सेक्शन 14 क्लास 1, लेकिन 14 क्लास 2 में उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए कि अगर उसको किसी ने गिफ्ट किया है और लिमिटेड दिया है, या वसीयत लिखी है और लिमिटेड राइट दिया है, या कोर्ट की डिग्री से उसको लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड राइट मिला है तो वो एब्सोल्यूट नहीं। तो 14-2 को छोड़ के 14-1 में एक हिंदू स्त्री जो भी उत्तराधिकार पाती है वो उसका एब्सोल्यूट राइट होता है। अब इन्होंने देखिए फिर ये किया कि अगर कोई हिंदू स्त्री है और वो इंटरस्टेट पर, देखिए वसीयत करने का अधिकार एक हिंदू स्त्री को वैसे ही प्राप्त है जैसे एक पुरुष हिंदू पुरुष को प्राप्त है, धारा 30 में वो आपको मालूम है। अब हम ये डील कर रहे हैं, वी वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट, सपोज दैट ए हिंदू वुमन डाइड, एक हिंदू स्त्री मर जाती है इंटेस्टेट बगैर वसीयत किए मर जाती है, तो उसका उत्तराधिकार कैसे शासित होगा, ये बात सेक्शन 15 क्लास 1 में बताई गई है कि ऑर्डर क्या होगा। अगर आप ऑर्डर देखना चाहते हैं प्रीफरेंस का कि भाई पहली कैटेगरी ये है, इस श्रेणी में कोई नहीं होगा तो कैटेगरी नंबर 2 आएगी, कैटेगरी नंबर 2 में नहीं होगा तो कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 में नहीं तो 4th में नहीं तो 5th। अब देखिए पहली कैटेगरी जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन्स एंड डॉटर्स, देखिए इसमें पहली कैटेगरी आपकी फर्स्टली ये सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 कह रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फर्स्टली सन्स एंड डॉटर्स, उसके पुत्र जितने भी हो उसकी पुत्रिया, एंड हस्बैंड एक्स नहीं, जो उसका हस्बैंड है अगर तलाक वलाक हो गई है तो फिर अलग होने से हस्बैंड की कैपेसिटी नहीं बदल जाएगी, तो अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स एंड हस्बैंड्स। अच्छा इसमें ब्रैकेट में उन्होंने डाला है इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर। देखिए हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक हिंदू स्त्री मरी है, डब्ल्यू इसकी प्रॉपर्टी है, फीमेल हिंदू है, ये इंटेस्टेट मरी, इसने प्रॉपर्टी छोड़ी, अब वो इसको चाहे वहां से मिली हो वहां से मिली हो, क्योंकि अब तो अमिताक्षरा को पढ़ने की वो समस्या भी नहीं है। इसका पति है, अब इसका बेटा है S1,
S2 अच्छा मान लीजिए D1 D2 यह भी कहने ये भी प्रीडिसीज है ये अपनी माँ की जिंदगी में मर गई थी और ये भी प्रीडिसीज है ये भी माता जी की अपनी जिंदगी में मर गया था इस D1 की का एक लड़का है X सन है और इस 2 की एक डॉटर है S2D ये है ठीक है ये सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपके सामने जा रहे हैं कि ये मरेगी तो ये लोग फर्स्ट क्लास में ये एक साथ इनहेरिट करेंगे जो रूल इन्होंने सेक्शन 16 में दे रखा है वो हम आपको बताए दे रहे हैं आसानी से यूं ही बता देते हैं जैसे आपने एक मेल के संदर्भ में देखा था वैसे ही मेल के संदर्भ में भाई एक हिस्सा इनका बना पति का एक S1 जो जिंदा है इसका बना अगर S1 का कोई लड़का हो भी या लड़की हो तो वो नहीं इनहेरिट करेगी उत्तराधिकार नहीं पाती क्योंकि जब तक जिसके माध्यम से कोई उत्तराधिकार पा रहा हो वो मौजूद हो तो उत्तराधिकार आगे नहीं जाता यहाँ पर इस ब्रांच में S2 मर चुका है तो इसकी ब्रांच में पासान करेगा तो एक हिस्सा इसका बन रहा था इसको हम लोग आपको शायद कभी कहा बताया हो हमने पर इस पर्पस इसी को कहते हैं प्रति शाखा अनुसार प्रति शाखा अनुसार होता है ये देखिए पर इस पर्पस है तो एक इस शाखा का हो गया इसका एक इस शाखा का हो गया और एक इसका है ये तो मौजूद ही है अगर इसका बेटा हो D2 का तो वो भी नहीं पाएगा D2 की कोई बेटी हो उसको भी नहीं मिलेगा क्योंकि मां मौजूद है अब जब हमने देखा 1 2 3 4 5 हिस्से बने तो इसका 1/5 हो गया इसका 1/5 हो गया इसका 1/5 इसका 1/5 और इसका 1/5 इस शाखा में ये तो मर चुका है तो इसका 1/5 उतर के इसको चला जाएगा और ये भी मर चुकी है इसका वाला उतर के यहाँ चला जाएगा क्योंकि मुर्दा की प्रॉपर्टी लेके क्या करेगा नेचुरल है तो उसकी शाखा में हो जाएगा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अगर इस शाखा में ज्यादा लोग हों थोड़ी देर को मान लिए X1 भी है X2 भी है X3 भी है तीन है तो यही 1/5 फिर 1/15 1/15 1/15 बन जाएगा ये बात हम लोग शुरू से करते हुए आए हैं कि हर शाखा में आप पहले ये सेट रूल जो है आपको सेक्शन 16 देखा है जो उन्होंने समझाया है एक्सप्लेन किया है 16 में वो ये है कि ये फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा ये हस्बैंड इनहेरिट करेगा एक हिस्से S1 एक को एक हिस्सा S2 को एक हिस्सा D1 का एक हिस्सा D2 का जो S2 मर चुका है उसका हिस्सा उसकी जनरेशन में उतार दिया जाए और D1 जो मर चुकी है उसका हिस्सा उसकी जनरेशन में उतार दिया जाए ये आपके सामने पहली वाली सिचुएशन है कि फर्स्टली ये उन्होंने सेक्शन 15 प्रोबेबली क्लास 1 हाँ 15(1) में ये उन्होंने ए लिखा था अच्छा रूल इन्होंने ये दिया है कि अब देखिए बी में जब मामला यहाँ पर है फर्स्ट कैटेगरी में होगा पहला रूल ये था अमंग द ईयर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 दोज इन 1 एंड 3 शैल बी प्रेफर्ड टू दोज इन एनी सक्सीडिंग एंट्री यानी अगर देखिए इसमें पांच इन्होंने बनाई है ए बी सी डी ई तो अगर ए में कोई आदमी है तो फिर बी सी डी ई के उत्तराधिकार का सवाल नहीं होता आप क्रॉस कर दीजिए कोई हो ना हो देखिए एक बार मैं अक्सर अपने क्लास में आप लोगों से जब मुस्लिम का पढ़ा रहा था तो भी मैंने कही थी कि उत्तराधिकार का ताल्लुक करीब और बाद के आदमी से होता है ये अंत्येष्टि में जितने लोग आए सब उत्तराधिकारी नहीं होते पूरा खानदान मान लीजिए 50 आदमी उसके अंदर गए थे दान करने के लिए तो आप सबको समझिए कि उत्तराधिकारी नहीं उसमें जगत कौन करीब का है मान लीजिए कि भतीजा भी है और बेटा भी है तो भतीजा कभी भी बेटे के मुकाबले में उत्तराधिकार नहीं पा सकता है पिता भी है और दादा भी है पिता अगर मौजूद होगा तो दादा के उत्तराधिकार पाने का सवाल नहीं है तो इसलिए उत्तराधिकार का रूल अपने सिस्टम से चलता है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मरने वाली औरत के पुत्र हैं उसकी पुत्रियां हैं उसका पति है और सबका हिस्सा इन्होंने सेक्शन 16 में जो बाद में रूल दिया है कि भाई एक एंट्री में जब बटने लगेगा तो बराबर से बटना है और जिसकी जो ब्रांच होगी ब्रांच वाइज हम नीचे उतार देंगे उसकी शाखा में चला जाएगा अब देखिए इसमें क्या है मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाई देता हूँ मान लीजिए वो आप आसानी से समझ लें
एक तो वो डिलीवरी नहीं थी बट यू विल सी पर के डब्ल्यू की नेट हुई है और अगर इसका पति अब एक से ज्यादा तो वाइफ में तो रूल था पहले से तो एक से ज्यादा वाइफ हो सकती थी यहां नहीं हो सकता तो डब्ल्यू है एस S1 है और D1 और D2 ये भी डिसीज्ड है मानो और इनके तीन ये एक सन है एक डॉटर से अब आप देखिए एक हिस्सा इनका बनता है ये रूल के हिसाब से एक इनका एक इनका एक इनका चार भाग बने तो आप दे दीजिए एक बटे चार जो लोग जीवित हैं अगर इनका मान लीजिए अगर को इनका सन है भी तो एक्सक्लूडेड वंचित हो जाएगी एक्सक्लूडेड बाई D1 ये एक्सक्लूडेड बाई S1 एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को एक्सक्लूड नहीं करती रिमेंबर वन ब्रांच विल नॉट एक्सक्लूड दी अदर ब्रांच इन लेकिन यहाँ ये होगा अब ये एक बटा चार जो इसका हिस्सा था D2 का ये मर चुकी है तो ये इसके जो वारिस हैं इसके उत्तराधिकारी उतरना चाहिए जो इन्होंने सेक्शन 16 में आपको दिया ये जब उतरेगा नीचे तो फिर बराबर से हिस्से होंगे जैसा रूल है तो इसके तीन भाग हो जाए 1/12 यही एक बटा चार है जो इसका हिस्सा था वो चार तीन भागों में पड़ जाएगा ये आपका नियम है जो दिया जा रहा है तो ये आमतौर पर मैं आपसे कहूँ कि एक फीमेल जो है एक औरत कोई भी मरती है तो इस कैटेगरी में ज्यादातर कंडीशन यही है कि कोई ना कोई मिल जाएगा लेकिन देखिए दूसरी बात इन्होंने कही कि सेकेंडली क्या पोजीशन बन रही है कि अगर ए में कोई नहीं है अच्छा इतने आप एक नोट समझ लीजिए अगर ए में कोई ना हो का मतलब है कि डॉटर सन या उनके बच्चे ना हो चिल्ड्रन नहीं है तो हमारा डिसाइडेड केसेस हैं इस पॉइंट पर कि अगर खाली हस्बैंड है और प्रॉपर्टी जो थी उस औरत के पास उत्तराधिकार के माध्यम से माता पिता की तरफ से आई है तो फिर हस्बैंड को नहीं मिलता इसको पता नहीं मैंने केस कहाँ कर दिया नहीं तो मैं आपको केस भी दे सकता था कि इसमें ये बात कही गई कि उसमें अगर उसकी उसकी डेथ हो चुकी है पति की तो फिर ऐसी सॉरी सन और डॉटर कोई ना हो और वो इनहेरिट करना चाहे हस्बैंड तो किसी के माध्यम से आ रही हो तो शायद आपको डिफिकल्टी दिखाई पड़ेगी इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट आउट की अब दूसरी बात ये कि मानिए कैटेगरी नंबर ए यानी ए में कोई नहीं है तो जो बी बनती है अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड ये है अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड यानी जब औरत की डेथ होती है और उसने इसने किसी को नहीं छोड़ा नो बडी इज देयर तभी डी में उतरेगा तो उसके पति के कौन उत्तराधिकारी हैं पति का बेटा पति की बेटी जो इसके लिए सगा नहीं है अच्छा एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ पहले भी कह के आया हूँ देखिए स्त्री के मामले में लेजिटिमेट सन और डॉटर और इलेजिटिमेट सन और डॉटर में कोई अंतर नहीं है चाहे जायज बेटा बेटी हो चाहे नाजायज वाले हो बिना शादी के पैदा हुए हो ये सेक्शन 3 क्लास जे में बात कही गई है जिसको मैंने शुरू में आपको बता दिया था इसलिए यहाँ पर भी इस बात को याद रखिए अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड के बाद देखिए फिर आती है बात अपॉन थर्डली सी क्लास कैटेगरी में आता है मदर एंड फादर यानी जब कोई औरत है उसमें मरी ना तो पति है ना बच्चे हैं और अब दूसरी बात क्या हुई कि पति भी इस तरह का है कि उसका कोई वारिस नहीं है पहले तो पति के वारिस को जाता अब पति का भी कोई वारिस नहीं है तो थर्डली अपॉन दी मदर एंड फादर यानी जो स्त्री है उसकी माँ उसका पिता माँ बाप अगर जिंदा है अच्छा इत्तेफाक ये है चांस ये है कि तीसरी कैटेगरी में भी कोई नहीं है माता पिता भी मर चुके हैं देन फोर्थली अपॉन द एयर्स ऑफ द फादर
यानी उस स्त्री के जो पिता के उत्तराधिकारी बनते हो, जो आपको ढूंढ मिलने सेक्शन 8, 9, 10 में मिल जाएंगे पिता की प्रॉपर्टी के संदर्भ में, तो उसको चला जाएगा। और अगर पिता का कोई उत्तराधिकारी मौजूद न हो तो फिर लास्टली ये कहते हैं कि अपॉन दी एयर्स ऑफ दी मदर, जो माँ है उस स्त्री की, उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको चले जाएंगे। फिर आप ध्यान दीजिए, इन्होंने 5 कैटेगरीज स्त्री के लिए बनाई। पहली कैटेगरी में उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन, सन्स एंड डॉटर्स। अगर सन और डॉटर में से जो मर चुका हो तो उसके बच्चों को उसका शेयर पास ऑन करेगा, ये ब्रैकेट में दिया गया है। और बच्चों के साथ साथ उसके चिल्ड्रन के साथ साथ हस्बैंड। और रूल सेक्शन 16 में इन्होंने दिया है कि सबका इक्वल शेयर होगा, कोई मेल फीमेल डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब कैटेगरी ए में कोई नहीं होगा तो बी वाली कैटेगरी जो है वो हस्बैंड के एयर्स, जो पति के उत्तराधिकारी होते हो रूल्स के हिसाब से वो। तीसरी बात ये बताई कि फिर मदर एंड फादर, उस औरत की माँ और उसका बाप। फिर अगर ये भी ना हो तो चौथी कैटेगरी में ये है कि एयर्स ऑफ द फादर। और पांचवी कैटेगरी में बात ये आएगी कि एयर्स ऑफ द मदर। इसका जो क्लास 2 है, सेक्शन 15 का क्लास 2, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। उसमें ओल्ड हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट इन्होंने थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की है। सेक्शन 15 क्लास 2, सेक्शन 15 क्लास 2 में सब क्लास ए और सब क्लास बी। देखिए, एक चीज ओल्ड लॉ में ये थी कि इन केस ऑफ अ वुमन व्हेन प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द साइड ऑफ द फादर एंड मदर ऑफ द वुमन, देन इट कैन नॉट पास टू द साइड ऑफ द हस्बैंड। एंड व्हेन द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय द साइड ऑफ द हस्बैंड, देन इट कैन नॉट पास टू द साइड ऑफ द पेरेंट्स। यानी अगर एक स्त्री ने अपनी संपत्ति, कोई संपत्ति उत्तराधिकार में पाई हो पिता की तरफ से या माता की तरफ से, तो वो उसके ससुराल की तरफ नहीं जाएगी। और अगर उसे पिता अपने पति से या पति के पिता से किसी नियम के अनुसार मिली है तो फिर उसके मरने के बाद वो उधर नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। वो होता क्या था, ये मान लिया जाता था कि पति की उसने विधवा की ऐसे पाई, तो उसके मरने के बाद जो पति के नेक्स्ट आदमी होगा, जिसको हम लोग रिवर्जनर कहते थे, उत्तरजीवी, उसको चली जाती थी। ऐसी माता, इसको इन्होंने मेंटेन किया है। वो है सेक्शन 15 क्लास 2, सेक्शन 15 क्लास 2। उसका देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी जो कुछ धारा 1 में कहा गया है उसके एनी प्रॉपर्टी इन। अच्छा, एक बात फिर आपसे नोट कर लेते, ये जो सेक्शन 2 क्लास 2 है धारा 15 का, इट इज ओनली रिलेटेड टू द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। यानी एक स्त्री ने उत्तराधिकार में जो संपत्ति पाई हो उसी से केवल ये संबंधित है, बाकी उसे किसी माध्यम से प्रॉपर्टी प्राप्त हुई हो, जैसे थोड़ी देर को मैंने उसने अपनी मेहनत से कमाई, तो ये क्लास 2 नहीं अप्लाई कर रहा। फिर वो आपका कोई ऊपर वाला सिलसिला चल रहा है, ABCD, वो ऊपर वाला चलेगा। या ये कैसे कहीं गिफ्ट में मिल गई, कभी कभी ये होता है कि सरकार की तरफ से भूमि का आवंटन कर दिया जाता है, अलॉटमेंट हो गया। या एक केस ये भी हो सकता है कि उसने जबरदस्ती एडवर्स पोजीशन से प्रॉपर्टी की मालिक बन गई। अगर किसी भी माध्यम से बनी हो सिवाय उत्तराधिकार के, अगर उसे इनहेरिटेंस से या वारिस की हैसियत से प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है फीमेल हिंदू को अपने फादर से या मदर से, अगर पिता या माता से मिली हो, तो शेयर डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द डिसीज, नॉट अपॉन द अदर हेयर्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड देयर इन, बट अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक स्त्री को कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई है, किससे मिली है, अपनी माँ से या अपने पिता से, कैसे मिली है, उत्तराधिकार या सक्सेशन से मिली है, तो उस स्त्री के मरने के बाद ये क्लास जो आपने ऊपर सेक्शन 15 का क्लास 1 देखा है, जिसमें हस्बैंड भी आ रहा है, यानी जब लड़के लड़कियां ना हो, उसके पुत्र पुत्री इत्यादि ना हो,
तो ना तो हस्बैंड को जाएगी और ना ही हस्बैंड के हेयर्स को जाएगी, बल्कि वो लाइफ दी गई है इधर से, तो मदर या फादर के साइड में वो संपत्ति जाना चाहिए। ये इसका क्लास सब क्लास ए है, सेक्शन 15 क्लास 2 सब क्लास ए। अच्छा, अब इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड, अगर किसी हिंदू स्त्री ने कोई संपत्ति अपने पति से पाई है, पति मर गया, उस औरत को सारी प्रॉपर्टी कोई भी उसका क्लास वन एयर थी, वो उसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, अब वो मरती है स्वयं और उसका कोई ना पुत्र है ना पुत्री है, है ना, ना पुत्र का पुत्र इत्यादि है ना पुत्री का कोई पुत्र इत्यादि है, यानी उसके बच्चे नहीं है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो ये जो पति से पाई हुई संपत्ति है ये उसके साइड में, उसके मायके के साइड में नहीं जाएगी, बल्कि ये पति के साइड में जाएगी और वो जो ऑर्डर यानी हस्बैंड के हेयर्स हैं उनको जाएगी। तो इसका मतलब है ये, मगर ये एक बात याद रहे कि ये लिमिटेड है आपका रूल इनहेरिटेंस के साथ, जब उसने उत्तराधिकार में कोई संपत्ति पाई हो मायके के साइड से तो मायके में जाएगी, और अगर पति की तरफ से पाई हो तो पति की तरफ जाएगी, ये नियम दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी अन्य तरीके से उसने संपत्ति बनाई हो, अर्जित की हो, तो फिर उसका नियम हमारा सेक्शन 15 में सीधा सा नियम ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में वही बिल्कुल ऑर्डर है क्लास ए में, वो कैटेगरी ए सेक्शन 15 ए की, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, डी, ई, उसी के हिसाब से चलेगा। ये सिर्फ लिमिटेड है उत्तराधिकार के संदर्भ में। तब आपके सामने देखिए हमने जो सिचुएशन सामने ला के रखी है, अगर आप देखें कि इनहेरिटेंस में या उत्तराधिकार में सक्सेशन में, तो आपको अंदाजा होगा कि हिंदू लॉ ने बहुत सा मॉडिफिकेशन किया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बहुत से मॉडिफिकेशन पहले किए गए और 2005 के अमेंडमेंट से बहुत से मॉडिफिकेशन किए गए, उसमें सुधार करने की कोशिश की गई है। और आपको ये भी मालूम है इसकी ज़रूरत भी थी, ज़रूरत इसलिए थी कि आज जो हिंदू लॉ कहलाता है ये प्योरली हिंदूज को नहीं अप्लाई करता, ये उन लोगों को भी अप्लाई कर रहा है जो वास्तविक रूप में अपने को हिंदू नहीं मानते, जैसे जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज जो मुसलमान, ईसाई, यहूदी नहीं माने जाते, वो सब हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट टेक्निकली हिंदू। जैसे हमारे यहाँ आदिवासी कहते हैं हम हिंदू नहीं है, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो जो आदिवासीज हैं वो मगर पर्पजेज ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिज एक्ट, दे विल बी ट्रीटेड हिंदूज, उनको हम लोग हिंदू मानेंगे, तो इसलिए इसके अंदर सुधार की आवश्यकता थी। लेकिन नेचुरली कि ये मेनली हिंदू लॉ से आ रहा था, तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रेसेज आपको, कुछ ना कुछ उसके लक्षण ओल्ड हिंदू लॉ के मिल जाएंगे। अब वो लक्षण क्या है मैं आपसे अगर कहूँ, तो आप लक्षण देखिए तो आपको ये अंदाजा होगा कि अमेंडमेंट करने के बाद भी एक डिफरेंस तो ये किया गया है कि पुरुष का उत्तराधिकार अलग तरह से है, स्त्री का उत्तराधिकार अलग तरह से। आप जब मुस्लिम लॉ में स्टडी करते की है आपने सक्सेशन में, ऐसा नहीं है, शेयर्स में डिफरेंस है, लेकिन उत्तराधिकार में स्त्री का उत्तराधिकार, वुमन का उत्तराधिकार भी वैसे ही होता है जैसे मैन का होता है। मैंने मुस्लिम डाइज लिविंग सच एंड सच रिलेशंस, सो द इनहेरिटेंस विल बी गवर्न बाय द सेम रूल, आइदर शी इज वुमन और शी इज अ मैन। शेयर मनी का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वहां आपने देखा था सन का शेयर डॉटर के शेयर के मुकाबले में डबल होता है, मगर ये कि चाहे पिता मरे तब भी सन का शेयर डॉटर के मुकाबले में डबल है, चाहे उसकी माता का उत्तराधिकार हो और डॉटर और सन में मुकाबला हो तो सन का हिस्सा स्त्री के मुकाबले में डबल होता है, तो ये या ब्रदर का हिस्सा सिस्टर के मुकाबले में डबल होता है मुस्लिम लॉ में। लेकिन मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस मुस्लिम लॉ में आपके सामने नहीं आता, तो इसलिए आपको उत्तराधिकार में ये चीज नहीं मिलती। लेकिन हिंदू लॉ में एक डिस्टिंक्शन, बहुत सी चीजें तो हटा दी गई, बहुत सी चीजों को रिमूव किया गया है, और जो जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके और इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेल हिंदू का उत्तराधिकार एक तरह से है और फीमेल हिंदू का उत्तराधिकार दूसरी तरह से। दूसरी बात यह है कि ये डिस्टिंक्शन उन्होंने अब भी मेंटेन किया है जो ओल्ड हिंदू लॉ का था, कि जब एक स्त्री कोई संपदा
from the side of the husband, then it would not pass to the parental or paternal or maternal side of the woman. Tab ye tha. Aise hi, if a woman is inheriting some property from the paternal or maternal side, then it would not pass to the in-laws. यानी जैसे पहले अगर उसने अपने मायके से कोई संपत्ति पाई होती थी तो वो उसके पति की तरफ नहीं जाती थी, और पति से पाई होती थी तो मायके की तरफ नहीं जाती थी। ये जो डिस्टिंक्शन है, ये हिंदू लॉ का इन्फ्लुएंस है, ओल्ड हिंदू लॉ का, जो अभी इसके अंदर मेंटेन है। तो इसलिए मैं ब्रीफली आपके सामने हिंदू सक्सेशन एक्ट के ये सारे प्रोविजन रखने की कोशिश की है, और इसका पर्पस यही है कि आपको एक तरह से आइडिया रहे, बिकॉज इट इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इन्वॉल्विंग द मैथमेटिक्स एटसेट्रा आल्सो। मैं आपसे पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ और आपको फिर एडवाइस करता हूँ अगेन कि देखिए, और चीजें चाहते एक आध बार आप नॉवेल की तरह भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में रिटेन हो जाती है। बट एज फार एज द सक्सेशन इज कंसर्न, जहाँ तक उत्तराधिकार की बात है, आप उसको इतना लाइटली ना लें, बल्कि उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उठाएं और टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनको देखें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, रूल्स को देखें, तो कुछ दिनों में आप उस पर काबू पा लेंगे। ये एक रूल होता है और आपको काबू मिल जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मैं फिर आपसे स्ट्रेस करता हूँ, यू नो दैट सक्सेशन और इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बिकॉज आफ्टर ऑल वन हैज टू डाई, and after his death the property would pass to the heirs. देखिए दुनिया में ये रूल है, हम लोग चाहे जितना करें, जितनी चाहे दवा खा लें और जितना चाहे वो कर लें, आखिर में एक दिन मरेंगे, और जब मरेंगे तो जो भी, ऐसा भी नहीं होगा गरीब और फकीर जो रंक होता है उसको भी कुछ छोड़ के जाता है, तो जो छोड़ेगा वो उत्तराधिकार में पासान करता है, ये हमारी जिंदगी का उसूल है। तो जब वो पासान करता है तो प्रैक्टिकल साइड है, एक मरतबा हम दूसरों के वारिस बनते हैं और दूसरी बार हमारे वारिस दूसरे बनते हैं। तो इसलिए आपको, चाहे आप एडवोकेट हो या आप जज की हैसियत से बैठे हैं या आप टीचर की हैसियत से आए, आपसे ये सवाल उत्तराधिकार का शुरू होगा। और मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अभी आप इस स्टेज में हैं, यू आर इन सच ए स्टेज दैट यू मे आस्क, मान लीजिए आप मेरी स्टेज में आ जाए और आपको कोई समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, आप, मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि बताइए मैं किससे पूछने जाऊँ। आप तो मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं जिनसे पूछता मुझे चाहिए था वो तो आप मौजूद नहीं है, वो लोग, तो मैं किससे पूछूँ। देयरफॉर इट इज माय एडवाइस दैट इट इज ए गुड टाइम फॉर यू टू स्टडी प्रॉपरली एंड आस्क एंड मेक ए ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। So therefore, it is we have technically covered the whole topic of this semester by this, the Hindu Succession Act, the Muslim Succession Act, the Muslim Law of Will, the Hindu Law of the Testament, the important doctrine of increase and return, which was explained in Muslim law by various rules before you. Still, if there is some difficulty, you are feeling some difficulty, then you are most welcome to post your problems and your questions. I will try to the best of my efforts to solve your problem. Again, I wish you success in your life, and due to the prevailing circumstances, I pray that you, your family and the entire humanity will be saved by this epidemic, and there will be, our country should not face such a difficulty which could not be controlled by us. Therefore, please cooperate with the consisting directions of the government also, or the doctors, what they are saying, and pray for, we should pray for each other in this way. And again, I pay my gratitude to the Shambhunath Institute of Law, that even in these emergency-like situations of the society, when the universities and the institutions are unable to take the classes, they decided to use the services or the net services, etc., that as far as possible the knowledge should be spread, that the knowledge should be provided to the students, and the students should be benefited for this thing. Therefore, I hope that maybe that you are not here in my class sitting due to the problems. Otherwise, your question would have made me enlightened also at this time.
But therefore, I pray for you, for the institute, and for the other colleagues and the teachers. And similarly, I request that you should also pray for me. Thank you. Shambhunath Group of Institutions, a mentor for glorious transformations.